Okay. So this is the first lecture of kinematics. तो जब हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक टॉपिक आता है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का एक छोटा सा सब पार्ट है काइनेमेटिक्स. फाइन. तो काइनेमेटिक्स में मेनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट वेरियस इंस्टेंट्स, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट इंस्टेंट्स. एक पॉइंट पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसका एक्सेलरेशन क्या था, और इनके बीच के आफ्टर के इनके बीच के relations. So in this lecture I'll be discussing about motion in one dimension. ठीक है, इस पूरे लेक्चर में मैं मोशन इन 1D के बारे में बात करूंगा. What does it mean? इसका मतलब ये होता है कि आप किन्हीं दो इंस्टेंट्स पे बॉडी की पोजीशन देख लो. आप मान लो एक टाइम पे बॉडी यहां पर है, एक किसी टाइम पर बॉडी यहां पर है. ठीक है, अब इन दोनों पोजीशंस को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो इसी लाइन पे हर इंस्टेंट पे बॉडी मौजूद रहेगी. मान लो टी इक्वल टू 1 पे यहां पर है, टी इक्वल टू 2 पे यहां पर है, मतलब टी इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां पर थी बॉडी और टी इक्वल टू 2 सेकंड पे यहां पर थी बॉडी. तो टी इक्वल टू 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20.5 सेकंड, कभी भी आप देखोगे ना बॉडी इसी लाइन पे रहने वाली है, कभी आगे कभी पीछे. फाइन. तो दिस नोन इज मोशन इन 1D. इसी का आगे एक बड़ा भाई आएगा जिसे बोलते हैं मोशन इन 2D. उसमें कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी एक ही लाइन में रहे, उसमें बॉडी कभी यहां पर है, कभी यहां, 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 कैसे भी रह सकती है. वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसके बारे में. फाइन. तो मोशन इन 1D जो है, दिस इज गवर्न्ड बाय फ्यू इक्वेशंस. ये जो 1D के अंदर जो मोशन होता है, इसको समझने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस पता होनी चाहिए जो आप लोगों ने पहले क्लास 8th, 9th और 10th में पढ़ी हुई है, जिसमें से एक है v इक्वल टू u प्लस 8d, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ d स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है. लेकिन मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा है यहां पर, एंड दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग इक्वेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स इनको यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम इसको समझने में आता है. फाइन. सो अब लेक्चर लेने के बहुत सारे तरीके हैं. इधर आई कैन स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ दिस, वो एक सही तरीका होता है इसको पढ़ाने का, लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विक किया हुआ है इस चीज को. मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा इक्वेशन को यूज कर रहा हूं. फाइन. सो वी विल डू इट फॉर 1 लेक्चर सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल विद दिस इक्वेशन. सो एक बार आप इक्वेशन को लेकर कंफर्टेबल हो जाओगे तो उसके बाद में जो उसका डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हम बहुत आराम से कर सकते हैं. मतलब विद माय पास्ट एक्सपीरियंस आई कैन से दैट कि मैं एक दो छोटी मोटी गाइडलाइंस दे दूंगा, उसको यूज करके भी आप इसको आराम से एज अ होमवर्क डेराइव कर लेते हो, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फर्दर डिटेल्स. रही बात इन दोनों इक्वेशंस की, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा इनके, राइट. लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है इसके बारे में. फाइन. एनीवेज, माय एजेंडा इज टू डील विद दिस इक्वेशन. तो ये इक्वेशन है क्या और ये इक्वेशन कब कब यूज होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. देखो, दिस इज इक्वेशन विच इज यूज फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तभी आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, बिकॉज डाउन द लाइन यू विल बी सॉल्विंग फ्यू प्रॉब्लम्स जहां पर एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा. स्टार्टिंग में 2 है, थोड़ी देर के बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो वहां पर ये फॉर्मुला वैलिड नहीं है. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज डिटेल्स आफ्टर कैलकुलस इन फिजिक्स. एक टॉपिक आता है कैलकुलस इन फिजिक्स, वो समझने के बाद हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एनालाइज कर पाएंगे. ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी विल रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम, जहां पर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहता है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. फाइन. सो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 4 है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी 5 हो गई. सो कैन आई से इट इज एक्सेलरेटिंग? या वी कैन से इट इज एक्सेलरेटिंग. और अगर मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? राइट डायरेक्शन में होगा. लेट्स एम्फेसाइज दिस स्टेटमेंट हियर. अगर बॉडी शुरुआत में इधर 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है और थोड़ी देर बाद वो इसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है,
तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और किधर एक्सेलरेट कर रही है, इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है. फाइन, ठीक है. एंड अगेन गेट बैक टू दिस, मैं दोबारा आऊंगा इस पॉइंट पे. तो उससे पहले काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज सिंपल टर्म्स हियर. तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट टर्म हियर, एस नॉट. एस नॉट क्या है, व्हाट इज एस नॉट? एस नॉट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू जीरो. मतलब इनिशियली बॉडी की जो पोजीशन है वो एस नॉट है. ठीक है, सो राइट इट हियर, इनिशियल पोजीशन. ठीक है, कभी कभी हम बोल सकते हैं एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर जो उसकी पोजीशन है वो एस नॉट है. फाइन, जनरली बुक्स में या फिर जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको इस तरह से यूज करते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर. वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं यहां पर थोड़ा सा. तो जब हम एस नॉट को लिखते हैं तो हम इसको एज अ पोजीशन मेंशन करते हैं, दिस इज अ पोजीशन. तो मान लो ये आपका एक्सिस है जिसके अलॉन्ग ये मूव करने वाला है, मुझे पता है बॉडी इज गोना मूव अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, सॉरी बॉडी इज गोना मूव अलॉन्ग दिस लाइन. तो किसी इंस्टेंट पे बॉडी की पोजीशन ये है. फाइन, तो अब मैं क्या बोलूं, मैन व्हाट कह रहे हैं इसे, अगर मैं क्वांटिटेटिवली बताऊं इसको कि इसकी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, तो मैं ऐसे बताना मुश्किल है मेरे लिए. अभी हम यहां पर प्राइम अकेडमी डेक्कन में खड़े हुए और मैं बोलूं कि भाई बताओ कि एफएल टावर किधर है, यह एफएल टावर कितना दूर है, तो ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से जब होगा कि एफएल टावर कितना दूर है, तो आप बोलोगे 25,000 किलोमीटर दूर है. कोई बंदा पेरिस में होगा उससे हम पूछेंगे कि एफएल टावर कहां पर है, कितना दूर है, तो उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, वो बोलेगा 20 किलोमीटर दूर है. तो डिफरेंट डिफरेंट लोग एक ही बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बता रहे हैं. आई होप यू गेटिंग पॉइंट. तो फर्क क्या आ रहा है, फर्क ये आ रहा है कि रेफरेंस क्या है. समझ में आ रहा है, अगर हम यहां पर खड़े हुए हैं तो हमारे हिसाब से एफएल टावर 25,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम अगर पेरिस में चले जाएंगे तो एफएल टावर 20-25 किलोमीटर दूर होगा शायद. फाइन, पेरिस में ही है ना, ओके ठीक है. ओके, तो यहां से हमें समझ में आता है कि यू नो हमें एक बेसिक रेफरेंस को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है. तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज की नीड आती है, द नीड इज फिक्स अ रेफरेंस, आई विल कॉल इट ओरिजिन, फिक्स एन ओरिजिन. ठीक है, तो आपको ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा. तो ओरिजिन के हिसाब से इसकी पोजीशन बताई जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपने ओरिजिन यहां पर फिक्स कर लिया, यहां पर, फाइन, तो ये चीज मान लो 10 मीटर है. सो आई विल से एस नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 10. अब यहां भी एक कंफ्यूजन है, राइट? तो कई बार होता है ना, वो ओला ड्राइवर को हम फोन करते हैं कि भाई कहां खड़ा है. सर यहीं पर खड़ा हूं. अबे यहीं खड़ा है मतलब कहां पर है? सर यहीं खड़ा हूं. अबे यहीं का मतलब क्या होता है? उसके लिए वो यहीं है, मेरे लिए वो यहीं नहीं है ना. तो फिर वो कोई रेफरेंस बताता है आपको कि सर ये आपका मान लो दिस इज योर प्राइम अकेडमी डेक्कन. ठीक है, यहां पर चौरा है, वी कॉल इट अलका टॉकिस, राइट? मैं कन्वे कर रहा हूं एड्रेस एक्चुअली. ठीक है, ठीक है, दिस इज अलका टॉकिस, राइट? तो ड्राइवर बोलेगा सर मैं अलका टॉकिस के पास खड़ा हूं. मैं बोलूंगा अलका टॉकिस से कितना दूर खड़ा है? सर अलका टॉकिस से मैं 100 मीटर दूर खड़ा हूं बस. भाई 100 मीटर इधर 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 क्या पता मुझे? तो वहां पर वी रियलाइज देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो. समझ में आ रहा है क्या? अगर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मिल जाए ओला ड्राइवर्स को और जो भी लोग ओला यूज करते हैं उन लोगों को कि जब भी डायरेक्शन बताया जाता है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ वाला बताया जाता है. मान लो दिस नॉर्थ, पता नहीं नॉर्थ है कि नहीं है, देखा नहीं मैंने. ठीक है, तो लोगों को समझ में आएगा 100 मीटर दूर मतलब 100 मीटर नॉर्थ होगा. नहीं तो कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाएगा कि 100 मीटर यहां भी हो सकता है. कई बार होता है यार, उसको पूछो भी किधर आना है, सर 100 मीटर आगे आ जाओ. 100 मीटर किधर आगे आ जाऊं बता दो सही, समझ नहीं आ रहा, बस 100 मीटर आगे आ जाओ. ठीक है, तो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट दिस शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर विद यू, बिकॉज आप लोगों को तो नंबर्स के साथ डील करना है बाद में. यू हैव टू डील विद नंबर्स देयर ना. तो डायरेक्शन का मतलब यह है कि अगर हम, अच्छा यहां पर तो ये डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है,
मैंने बता दिया मोशन इन वनडी की बात चल रही है तो इसकी बात कर रही है, बट इसमें इधर या इधर, तो अगर आप इसको कन्वेंशनली पॉजिटिव डायरेक्शन मानोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। अगर आप इसको कन्वेंशनली पॉजिटिव डायरेक्शन मानोगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, +10। राइट, सो हमको दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, एक तो फिक्स इन ओरिजिन एंड सेकेंड इज डायरेक्शन। तो ये दो चीज फिक्स करोगे उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करने लायक हालत में आएगा, नहीं तो उसके बाद नहीं तो हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। आपने कोई नया मोबाइल फोन खरीदा और उसमें जो सेटिंग करनी पड़ती है, पहले यहां पे इंग्लिश लैंग्वेजेस, इंग्लिश राइट और हिंदी, या फिर उसके बाद में टाइम, तो वो सब सेट करते हैं फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको सेट ढंग से करोगे नहीं, उसकी लैंग्वेज जापानीज कर दोगे, टाइम आप मे बी शायद यूएई का डाल दोगे, तो आपको बड़ी मुश्किल होगी इसे यूज करने। ठीक है, तो फर्स्ट वी फिक्स इन ओरिजिन एंड द डायरेक्शन। तो मैंने बोल दिया मेरा कन्वेंशनली पॉजिटिव डायरेक्शन ये है और ये मेरा ओरिजिन है, तो इन दोनों को समझते हुए आई कैन इजीली टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस नॉट। तो अगर बॉडी यहां पर है, ये 10 है, तो व्हाट शुड आई पुट एस एज, +10, ये एस नॉट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज यू। सो यू क्या होता है, या यू इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, जब मेरा मतलब होता है इनिशियल, मेरा मतलब जब मैं बोलता हूं इनिशियल, मेरा मतलब होता है टी इक्वल टू जीरो, है ना। तो टाइम लाइन को हम ऐसे सेट कर सकते हैं, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टू सेकेंड, राइट। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू जीरो। शुरुआत में अगर ये बॉडी राइट साइड में भाग रही है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो हम यू को क्या पुट करेंगे, +50। दैट्स करेक्ट। तो एक काम करता हूं मैं, इसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला नीचे लिखता हूं, एस इक्वल टू +10 प्लस यू, यू इज 50 टी। समझ आ रहा है क्या आपको? अगर बॉडी मान लो शुरुआत में यहां पर होती और यहां भाग रही होती 50 की स्पीड से, इनिशियली बॉडी यहां पर है और इधर भाग रही है 50 की स्पीड से, तो इस टाइम पर हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, +50 -50, +50। बिकॉज वेलोसिटी लिखने के टाइम पे या वेलोसिटी समझने के टाइम पे मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि बॉडी लेफ्ट में है कि राइट में, मुझे इस चीज से मतलब है कि बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। वो इधर से इधर जाए तो भी वो राइट साइड में जा रही है, इधर से इधर जाए तो भी राइट साइड में जा रही है, राइट, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो इसको +50 लिखेंगे। हाँ, अगर बॉडी यहां जा रही होती तो उसे -50 या -60 जो भी हो लिखते। ओके, एनीवेज, तो आपका ये यू आ गया, +1/2 AT² तो ए की वैल्यू लिखनी है हमको। ठीक है, अब सिचुएशन लेते हैं, मैं क्या कर रहा हूं वहां पर, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहां पर, उसका एक करस्पॉन्डिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लो शुरुआत में ही बॉडी की जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रही है। ठीक है, इफ आई से स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अभी बात ध्यान सुनना, बॉडी की स्पीड है जो इस तरफ इस रेट से बढ़ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, बॉडी इस तरफ एक्सेलेरेट कर रही है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। जब भी हम ए लिखते हैं तो हमें दो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, जब भी हम ए की बात करते हैं, ठीक है, और ए, वी शुड बी केयर अबाउट टू पॉइंट्स। फर्स्ट, विच इज योर, इन व्हाट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इट इज एक्सेलेरेटिंग। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज वन थिंग, एंड दूसरा कन्वेंशनल डायरेक्शन। का क्या मतलब हुआ, देखो ये चीजें मैं बहुत अंदर घुस घुस के बात कर रहा हूं बिकॉज दिस इज फर्स्ट लेक्चर, लेकिन डाउन द लाइन जैसे जैसे आपको उनकी प्रैक्टिस होती जाती है आपको इतनी डिटेल्स में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विल कम टू यू वेरी नेचुरली, है ना। अभी यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे सिटी से आए हुए हैं, तो उनको जब पहली बार बताया गया था कि आप अपने हॉस्टल से प्राइम डेकन तक आते हो तो कौन सा पाथ फॉलो करना है, तो आप समझते थे
कि आपने हॉस्टल से निकलना है, फिर अलका टॉकीज तक जाना है, फिर अलका टॉकीज से राइट लेना है, फिर वहां बैंक ऑफ इंडिया आएगा, बैंक ऑफ इंडिया से पीछे आना है, फिर केत की बिल्डिंग आएगी, फिर थर्ड फ्लोर पे आना है, तो आप प्राइम अकेडमी डेक्कन में पहुंच जाओगे, राइट। तो ये आप लोगों ने पहले 2 या 3 बार ध्यान दिया होगा इस बात को लेकर कि हमें प्राइम अकेडमी डेक्कन में पहुंचने के लिए ये लैंडमार्क का ध्यान रखना है। बट हाँ, ऐसा हुआ था ना, कई बार गलती से आप बाजू वाली बिल्डिंग पे पहुंच जाओगे, है ना। अभी 4-5 लेक्चर अटेंड कर लिए, 4-5 बार आप यहां पर आ गए, देन उसके बाद इट बिकम्स वेरी वेरी नेचुरल फॉर यू। फिर आप क्या हाथ बंद करते हो, फोन में बात करते हो भी आते हो ना, तो भी पहुंच जाते हो, राइट। सेम गोज विद दीज थिंग्स ऑल्सो, बट इंपॉर्टेंट इज ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं हमने स्टार्टिंग में गलती कर दी हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग में कहीं और पहुंच गए हो और वहीं पर बैठे रहे 3-3 घंटे, ठीक है। बाजू अलका टॉकीज है, आप वहां पहुंच गए गलती से, अलका टॉकीज मूवी देख ली आपने पूरी, और 2-3 बार ऐसा हो गया, तो आपको हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा कि प्राइम कहां पर है, अलका कहां पर है, ठीक है। इसलिए इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाके बात कर रहे हैं शुरुआत में हम इसकी। तो देखो, जब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं, तो ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब हमें इसमें कन्वेंशनल डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हम बस ये देखते हैं बॉडी कहां पर एक्सेलरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी इस तरफ जा रही है और इसी तरफ उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, मैं एक सिचुएशन लेता हूं, मान लो बॉडी यहां पर जा रही है और यहीं पर उसकी स्पीड बढ़ रही है। When I use a longer vector, I mean to say ये इधर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो बॉडी कहां पर एक्सलेट हो रही है, इसी डायरेक्शन में एक्सलेट हो रही है। एक सिचुएशन ऐसे लेते हैं जब बॉडी यहां जा रही है, ठीक है, बॉडी इस तरफ जा रही है और इस तरफ उसकी स्पीड बढ़ गई, तो इसमें बॉडी कहां एक्सलेट हो रही है, अब बॉडी यहां एक्सलेट हो रही है, राइट, ओके, ये क्लियर है। मान लो बॉडी यहां जा रही है, ठीक है, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन और यहां पर उसकी स्पीड कम हो गई। ध्यान सुनना, ये थोड़ा ट्रिकी है। जब बॉडी यहां पर जा रही है और यहां उसकी स्पीड कम हो गई, तो हम बोलेंगे इस साइड ये रिटार्ड हो रही है या फिर इस साइड ये डीएक्सलरेट हो रही है। समझ में आ रहा है ना? तो बॉडी इधर जा रही है और इधर उसकी स्पीड कम हो गई, मतलब इस साइड इसकी बॉडी, इस साइड इसकी रिटार्डेशन है या डीएक्सलरेशन है। और इस साइड का डीएक्सलरेशन का मतलब होता है इस साइड का एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन आई कैन से कि बॉडी की स्पीड इस तरह बढ़ रही है, इन दिस सिचुएशन, ठीक है, स्पीड इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट साइड। ये बात समझ में आ रही है आपको? बॉडी मूव इधर कर रही है लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि बॉडी की स्पीड यहां बढ़ रही है ना। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे किसी कंपनी की कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट आई और उस कंपनी ने बोला कि इस क्वार्टर में हम फाइनेंशियली ग्रो कर गए, इस क्वार्टर में हम लोग फाइनेंशियली ग्रो कर गए, मतलब ज्यादा पैसा आ गया हमारे पास इस फाइनेंशियल ईयर में। इसका यह मतलब नहीं निकलता कि उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर पिछले क्वार्टर में इतना प्रॉफिट था तो इस क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट हुआ है, या फिर इसका यह भी मतलब निकलता है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का इतना लॉस हुआ, इस बार थोड़ा कम लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो व्हेन आई से कंपनी फाइनेंशियली ग्रो कर गई है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि लास्ट टाइम इसका लॉस हुआ था और इस बार थोड़ा कम लॉस हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। सो इस केस में भी ऐसा ही है, बॉडी मूव इधर कर रही है लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसकी स्पीड यहां बढ़ रही है, बिकॉज इसकी स्पीड यहां एक्चुअली कम हो रही है, दैट्स इट। अच्छा, अब बॉडी मान लो इधर जा रही है, बॉडी इधर जा रही है और उसकी स्पीड यहां कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इस साइड रिटार्ड हो रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर हो गया, फाइन। तो इन सारे केसेस के लिए अगर मैं अज्यूम करूं कि राइट डायरेक्शन इज माय कन्वेंशनल डायरेक्शन, राइट इज अवर कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली मैं एक ही वैल्यूज देख सकता हूं। सी क्या होता है कि
इस साइड में एक्सप्रेशन राइट साइड में और मेरा कन्वेंशनल डायरेक्शन में राइट साइड में, तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। इन दिस केस एक्सप्रेशन इधर है, कन्वेंशनल डायरेक्शन इधर है, तो ए नेगेटिव हो जाएगा। फाइन, इन दिस केस एक्सप्रेशन कहां पर है, एक्सप्रेशन इधर ही है और कन्वेंशनल डायरेक्शन इधर है, तो ए यहां भी नेगेटिव हो जाएगा। इन दिस केस रिटार्डेशन इधर है तो एक्सप्रेशन इधर होगा, तो ए पॉजिटिव मान लेंगे। फाइन, सो ये चार केसेस बन गए हमारे। फाइन, इज इट क्लियर? ओके, एनी डाउट हियर? श्योर? या हाँ, वी कैन से दैट एक्सप्रेशन डायरेक्शन और साइन ऑफ एक्सप्रेशन इज सेम इन फर्स्ट एंड लास्ट, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। दोनों में एक्सप्रेशन का डायरेक्शन और साइन सेम है, ये बात सर करेक्ट है, लेकिन इस केस में बॉडी यहां जा रही थी, इस केस में बॉडी यहां जा रही है, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बावजूद ही बॉडी का एक्सप्रेशन का डायरेक्शन सेम हो सकता है। ठीक है, ओके। तो मान लो इस सिचुएशन में इसकी स्पीड 50 है और अगले इंस्टेंट पे इसकी स्पीड मान लो 40 हो गई, सो एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10, सो ए जो आपका ये प्लस 10 हो जाएगा। फाइन, ठीक है। अब देखो ये आपकी इक्वेशन पूरी सेट हो गई है अभी। नाउ दिस इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एस एंड टी। तो अब ये इक्वेशन जो है ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो आपको बोलता है आप मुझे टी दो मैं आपको एस दूंगा, वो सुभाष चंद्र बोस टाइप। ठीक है, आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा टाइप, है ना? तो सुभाष चंद्र बोस के केस में क्या था, आप मुझे खून दो तो मैं आजादी दूंगा, मतलब मुझे टी दो तो मैं आपको एस दूंगा। मगर ये एक और बात बोलता है, ये बोलता है आप मुझे एस दो तो मैं आपको टी भी दूंगा। वो सुभाष चंद्र बोस में ऐसा नहीं था, सुभाष चंद्र बोस में ऐसा नहीं था कि आप मुझे आजादी दो मैं आपको खून दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, एकदम वन टू वन मत पहना, वन टू वन मत पहुंचा देना। You give T, you'll get S. You give S, I'll give T. Anyways, I hope it is clear. ठीक है, तो बिठा दो पूरा ही। लिखते जाएगा ना फास्ट फटाफट, क्योंकि घर पे जाके आपको अगर रिवाइज कर रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो थ्रू दीज नोटबुक्स। कई लोगों का थोड़ा सा पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा गलत होता है, वो क्या करते हैं घर पे जाते हैं और बराबर वो पूरी किताब उठाएंगे, वो एस सी वर्मा की या डीसी पांडे सर की किताब उठाएंगे, तो उसमें क्या है कि वो पूरा एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है, पूरा इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। तो जब तक आप उसको पूरा पढ़ते हो तब तक टाइम खत्म होता है, फिर क्वेश्चन तक आने का टाइम नहीं मिलता है। सो दैट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट वे टू स्टडी, आपके पास टाइम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको स्मार्टली यूज करो। तो उसमें क्या करना होता है, जो आपने क्लास में पढ़ा है ठीक है पहले वो सुनना है अच्छी तरह से, आपको अपने सारे डाउट्स पूछने हैं वहां पे क्लास के अंदर ही, फिर घर पे जाके ना क्लास वाली नोटबुक से ही रिवाइज करना है, तो बहुत फास्ट हो जाएगा, यू कैन करेक्ट वेरी फास्ट, आपको पता रहेगा कि कब क्या क्या कराया था। बट कुछ लोग क्या करते हैं ऐसा ना करके वो क्लास में कुछ लिखते विखते नहीं है, घर पे जाते हैं और बराबर अपना कोई तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठाएंगे वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें एक बेसिक पार्ट तो इंट्रोडक्टरी होता है तो उसमें काफी टाइम चला जाता है, और फिर कोई जरूरी नहीं है कि बुक ने उसी टाइप के सारे कन्वेंशन यूज किए हुए हैं जो क्लास में यूज किए हुए हैं, और इनिशियल लेवल पे वो थोड़ा तकलीफ दे देता है, यार ये तो कुछ और बोल रहा है, ये तो कुछ और बोल रहा है। राइट, फाइन। वैसे इसमें आप लोगों को थोड़ा एडवांटेज इस बात का मिलता है कि डीसी पांडे सर खुद ही लेक्चर ले लेते हैं और खुद ही उनकी बुक भी है, तो जब आप घर पे जाके रिवाइज करते हो तो एज इट इज उनकी बुक से रिविजन हुआ था। फाइन, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक एग्जांपल लेंगे, ये आपका ओरिजिन है, मैंने राइट साइड को कन्वेंशनली पॉजिटिव डायरेक्शन माना है। फाइन, एक बॉडी शुरुआत में यहां पर है एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी से 40 meters, एंड दिस बॉडी इज going towards right side with a velocity of 30 meters per second.
फाइन, और उसकी स्पीड जो है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इसकी कम होती जा रही है, ठीक है, द रेट ऑफ से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन वन, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, पहले सिचुएशन समझो। मैं पोजीशन आपसे क्यों पूछ पा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन और आप बोथ ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो जो क्वेश्चन ने रेफरेंसेस सेट किए ना, उन्हीं रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बताना है कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, जब आप बोलोगे s इक्वल टू 70 तो समझ में आएगा कि यहां से 70 और राइट साइड में। फाइन, तो ये सब करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को सेट करेंगे। तो इक्वेशन में s इक्वल टू u, u कितना हो गया 30, सॉरी, s इक्वल टू x नॉट आएगा, पहले s इक्वल टू x नॉट प्लस 30t माइनस हाफ 80 स्क्वायर, तो माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसमें s क्या है, व्हाट इज s? s इज द पोजीशन एट t, मतलब किसी इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन है वो s है। इज इट वेरी क्लियर? हा, इसमें आप अपने पुराने पढ़े हुए फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज जो आपने पुराना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसमें s डिस्प्लेसमेंट होता था, उसको थोड़ा और ज्यादा बेसिक्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन में कन्वर्ट किया है, इसका क्या मतलब है देखो। पहले काम करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं रिलेट करूंगा इसको तो यूजुअली फॉर्मूला यूज करते हैं उससे। हाँ, तो इसने पूछा है कि फाइंड द पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो इस इक्वेशन में हम टी को 2 पुट कर देंगे यहां पर और यहां पर। फाइन, तो s की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 13 इंटू 2 60 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8। हाँ, मैं बस चेक कर रहा था आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो माइनस 8, ठीक है, तो कितना हो गया ये 92 मीटर। तो इसका मतलब ये बॉडी इस इंस्टेंट पे x इक्वल टू 92 मीटर पे थी। I hope it is very very obvious for you. Fine. इसको ध्यान से सुनते रहना, पता है, क्योंकि इसका जो अगला वर्जन आएगा ना मोशन इन टू डायमेंशन, उसमें हम लोग इतना स्लो और इतना डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे। फाइन, अगर आपको ये बहुत क्लियर हो गया एक बार तो ट्रस्ट में जब हम प्रोजेक्टाइल की बातें करेंगे ना तो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपका शायद उस टाइम पर मन भी ना करे उस चैप्टर को बंद करने का। And that is something I am telling you from my experience. Generally, projectile पढ़ते टाइम लोगों के हाथ पर हिल जाते हैं ऐसे, पता नहीं पत्थर ही गया गया सर पे लगा साला सीधा। ठीक है, ठीक है, एक बार आप लोग इस चीज को लेकर काफी क्लियर हो कि मोशन इन 1D को कैसे एनालाइज किया जाता है, उसके बाद बस छोटे छोटे पॉइंट्स और ऐड करके ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोशन इन 2D बन जाता है। तो वहां पर एक बार इंटरेस्ट जनरेट हुआ, देन यू नेवर लुक बैक। फाइन, ओके। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं फाइंड, मैं लिखने से बोल रहा हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अगर मेरा क्वेश्चन आता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स क्या है, तो सुनने में ही आपको अगर लग रहा होगा कि क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ है, राइट? इनिशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल टू सेकेंड, मतलब एक तो आपने टर्म यूज किया इनिशियल, तो इनिशियल जो टर्म है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये टी इक्वल टू 0 की बात कर रहा है ना? तो टी इक्वल टू 0 की वेलोसिटी क्या थी टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तब इसको एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी से हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे क्या डेट ऑफ बर्थ क्या दे रही भाई, 20 जुलाई। अरे वाह, मेरे भाई की 20 जुलाई है, 20 जुलाई, लेकिन उसकी 1981 है, तेरी तो मेरे लगता है 2020 होगी।
क्या है 2001 बच्चा है मेरे तो कभी ठीक है ठीक है तो 20 जुलाई 2001 इसकी डेट ऑफ बर्थ है और आज की डेट क्या है 5 अगस्त 17 तो अगर मैं तुझसे पूछता हूं कि भाई 5 अगस्त 2018 में तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी आई आस्क यू तेरी डेट ऑफ बर्थ इस दिन क्या होगी तो आई मीन इट्स काइंड ऑफ नॉनसेंस राइट ये क्वेश्चन कोई सेंस नहीं बनता डेट ऑफ बर्थ तो जो है वो है ना हर बार सेम रहेगी इट डजंट चेंज तो ना इनिशियल वेलोसिटी इज लाइक डेट ऑफ बर्थ अगर फिर भी किसी ने पूछ ही लिया है कि भाई ये बता इस दिन तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी तो आपका आंसर यही रहेगा सर यही रहेगी लेकिन आप फालतू में टाइम बताने की जरूरत नहीं है मेरा हर बार यही रहेगी ठीक है ये एकदम रिटेंडेंट डेटा है इसका कोई जरूरत नहीं थी तो यू कैन ऑलवेज आस्क व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब ये है कि टी इक्वल टू जीरो पे पूछ रहा है ठीक है यहाँ पर ये आपको बहुत छोटा सा पॉइंट लग रहा है और बहुत हंसी आ रही है लेकिन ना यही हंसी गायब हो जाती है जब ये एज अ मिसकंसेप्शन रह जाएगा आपके दिमाग में तो ठीक है सो एनीवेज सो हम बात कर रहे थे इसके इनिशियल वेलोसिटी की जो बात नहीं करेंगे अभी ठीक है तो मैं बोल रहा था ये जो है ना इनिशियल कंडीशन है इनिशियल पोजिशन इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज दिस दिस इज इनिशियल पोजिशन दिस इज देखो इनिशियल पोजिशन दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन आई डोंट से इनिशियल एक्सेलरेशन व्हाई हाँ बिकॉज क्वेश्चन को हम समझा रहे थे जो हमने डिटेल से बात की थी इसके इक्वेशन के बारे में तभी हमने क्या बोल दिया था उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही ये इक्वेशन वैलिड है तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है तो इनिशियल लिखने का मतलब ही नहीं है ना वो हर बार सेम रहेगा ये अपने आप में फालतू की बात हो जाएगी कि इनिशियल एक्सेलरेशन लिखो क्यों हर बार उसका एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है फाइन ठीक है तो पहले का आंसर आ गया 92 meters ठीक है ओके अब मैं पूछता हूं फाइंड द टाइम व्हेन एस इक्वल टू ये डिक्रीज हो रहा है ना हाँ सो फाइंड द टाइम व्हेन S is equal to 68 meter. जब S 68 meter है तो टाइम क्या होगा ये पूछ रहा है आगे आंसर लोगा इज इट करेक्ट क्लियर है ना मेरा क्वेश्चन है फाइंड द टाइम व्हेन एस इक्वल टू 68 तो एस इक्वल टू 68 मतलब कि अब मैं क्या कर रहा हूं आपको पोजीशन बता रहा हूं उसकी ठीक है मैं आपको उसकी पोजीशन बता रहा हूं अब पूछ रहा हूं बताओ उस टाइम पर टाइम क्या है ये मैंने पुट किया 68 ठीक है आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगा है ना 68 - 40 करके कुछ ऐसा आएगा 2t² वहां चले गया -30t ठीक है प्लस 28 = 0 सॉल्व किया t² - 15t प्लस 14 = 0 और सॉल्व किया तो t - 1 एंड t + 14 = 0 नहीं t - 14 सॉरी दो आंसर आ गए इसके t1 and 14 इज इट क्लियर आई गॉट टू आंसर्स हियर इसका मतलब ये बॉडी इस पोजीशन में दो बार पहुंची है अब ऐसा कैसे अगर हम एक कार में जा रहे हैं और कार ने ब्रेक मारे ये ब्रेक ही मारे ना इज लाइक ब्रेक मारे राइट स्पीड इज डिक्रीजिंग इट इज रिटार्डेशन मैं ऐसे ही बोल सकता था कि इट इज रिटार्डिंग विथ 4 m/s² हम कार में जा रहे हैं कार के ब्रेक मारे तो कार धीरे 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 हो जाएगी और फाइनली रुक जाती है लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से ये बोलता है कि इस पोजीशन पे ये दो बार पहुंचता है तो दो बार कैसे पहुंचता है हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे जाके बात करेंगे दोबारा ठीक है
ओके मे बी आफ्टर हाफ एन आवर वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट वंस अगेन. अभी मैं थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है. तो टी इक्वल टू 1 एंड 14 सेकेंड, दो बार होता है. अगर एक बार फिर भी फटाफट एक्सप्लेन करना है एक जल्दी से एकदम क्विक वन, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसकी स्पीड कम होती जा रही है, फिर एक टाइम पे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, उसके बाद में उसकी स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, तो पीछे आना चालू होता है वो, उसका मोशन ऐसा होता है, ठीक है. बट अगेन एज आई टोल्ड यू वील टॉक अबाउट इट अगेन लेटर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ से 4th सेकेंड. मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड और 4th सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो कितना है, तो ये कैसे निकालेंगे. देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. जब हम यहां पर t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो मुझे यहां क्या मिलता है, मुझे उसकी पोजीशन मिलती है. कब कब सेकेंड पे, है ना. तो अब मुझे थोड़ी चीजें पहले से क्लियर हो गई. यहां पर देखो इसे मिटा ही दो ना, लिख लिया आप लोगों ने. तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज x इक्वल टू 40 एंड देन x इक्वल टू 40 ये कब था, t इक्वल टू 0 सेकंड पे, और t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या था, दिस इज एट t इक्वल टू 0 सेकंड, राइट. और t इक्वल टू 1 सेकंड पे इसकी पोजीशन क्या थी, 68 आई थी ना, 68 आई थी. अब यहां पर 2 पुट करेंगे तो s कितना आता है, t इक्वल टू 2 बिकॉज एस एस 92, तो यहां कहीं आता है वो. तो ये जो नंबर मिला ना आपको, ये इसकी पोजीशन है. डोंट गेट कंफ्यूज दैट ये इसका डिस्प्लेसमेंट है. मुझे आप बताओ 2 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये उसका डिस्प्लेसमेंट था. समझ में आ रहा है क्या, दैट इज 52. तो इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वल टू 92 माइनस 40, दैट इज 52 मीटर्स. बट अगर मैं पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड, ये दोनों बातें अलग अलग है, ये दोनों बातें अलग अलग है. तो इसको मैं थोड़ा सा एक छोटी सी एनालॉजी देके एम्फसाइज करता हूं. हाँ भाई, इतनी हाइट कितनी है. हाँ हाइट कितनी है, 6.3. बहुत लंबी हाइट है भाई, ठीक है. 6 फीट 3 इंचेस इसकी हाइट है. एज क्या है, 15 ईयर्स. 14 ईयर्स में तेरी हाइट क्या थी, 6, राइट. नाम क्या है, ईशान. ईशान से हम पूछते हैं, भाई ईशान तेरी हाइट 15th ईयर में कितनी बड़ी, तो ईशान क्या बोलेगा, 3 इंचेस बोलेगा ना. ईशान से पूछते हैं 15th ईयर में तेरी हाइट कितनी बड़ी, तो 3 इंचेस बोलेगा. वो ये नहीं बोलेगा कि सर 6 फीट 3 इंचेस. अगर 15th ईयर में उसकी हाइट 6 फीट 3 इंचेस बड़ी है तो आदमी नहीं डायनासोर होगा, राइट. कि एक साल में इतना बढ़ गया हो, ठीक है. तो बी वेरी क्लियर की उस पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है. जब मैंने यहां पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड मतलब पोजीशन एट सेकंड माइनस पोजीशन एट 1 सेकंड आएगा. समझ में आ रहा है क्या, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये कितना है, 92 माइनस 68 24 है ना, 24 हो जाएगी. तो बी वेरी क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो अगर पूछा डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकंड कितना है,
तो उसका मतलब सेकंड सेकंड की पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड सेकंड कितना है, तो सेकंड सेकंड बोलना है, सिर्फ सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड, थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो 92 माइनस 60 लिखना, 24। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। दिस विल बी 24। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेकंड निकालने के लिए पहले हम टी को 4 पुट करेंगे, है ना। तो कितना आ गया, 128, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, आई एम नॉट गेटिंग इन टू कैलकुलेशन, वो आप खुद भी कर सकते हो। जब मैंने बोल दिया कि टी को आपको 4 पुट करना है, तो 40 प्लस 30 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 16, यही करना है ना। तो कोई जरूरी नहीं हम टाइम वेस्ट करें क्लास में इसका, तो डायरेक्टली लिख दिया 128। तो टी इक्वल टू 4 पे 128 मीटर हो जाएगा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेकंड कैसे लिखेंगे हम लोग, उसके टी इक्वल टू 3 सेकंड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले ना। तो जब हमने टी इक्वल टू 3 पुट किया यहां पर, तो कितना आ गया, ये 112 आ गया, फाइन। सो यहां पर 112 बताइए। अब हम ध्यान से देखें, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड सेकेंड एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ सेकेंड। सो 128 माइनस 12, दैट इज 16। सो दैट्स हाउ यू विल गेट आंसर। कितना हो गया ये, 1.5 हो गया, 3/2, फाइन। तो इसका आंसर हो गया 24/16 इक्वल टू 3/2, ये रेशियो आ गया। तो आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ती आ रही है ना, बिठा दो। ओके, अभी एक काम करते हैं, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं और अब ये समझने की कोशिश करो कि उस इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। मतलब फिजिक्स में बहुत जरूरी है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिए जाए उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो आप विजुलाइज कर पाओ, देन ओनली फिजिक्स विल बी इंटरेस्टिंग। कई लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं इक्वेशंस का, उनको पता ही नहीं उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जो भी आप चीज कर रहे हो, कोई टेक्स्ट है या कोई इक्वेशन है, वो आप पढ़ते जाते हो और दिमाग में आपकी इमेज बननी चाहिए कि हाँ उसका क्या फील है, उसका मतलब क्या है, फाइन। अभी जब जब मोदी ने बोला कि डिमोनेटाइजेशन है, राइट, कल सुबह से या आज रात से 500 के या 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट था, कई लोगों के लिए दिमाग में आया होगा, वहां ठीक है कुछ तो आया, फाइन फाइन। आई मीन एक एक जैसे बहुत सारे ऑर्डर आते रहते, उसमें एक ऑर्डर ये है कि हाँ आज रात से 500 के या 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, बट कई लोगों ने उसको अच्छी तरह विजुलाइज किया, ओ आज रात के बाद ये बंद हो जाएंगे। सो उसका बहुत सारा बेनिफिट उठाया गया, वो लोग सोने की दुकान पे पहुंच गए, सोना तो बंद नहीं हो जाएगा ना, सोना इसमें गोल्ड नहीं, सोना वाला, ठीक है। तो देखो विजुलाइज दिस थिंग दैट यू नो, अगर बोला गया कि कल सुबह 500 के और 2000 के नोट वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब कि बहुत सारे लोग इन नोट्स को यूज करने की कोशिश करेंगे आज रात को ही, राइट। तो गोल्ड अगर 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम है, तो लोग 40,000-45,000 भी देने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा कई लोगों ने किया, एकदम पूरा जितना भी उनका पास सोना है चांदी है व्हाटएवर इट इज यू नो, दे स्टार्ट सेलिंग ऑफ इन डबल द प्राइस। तो उनके दिमाग में पिक्चर बन चुकी थी, अच्छा बहुत सारे लोग आएंगे, पार्किंग का प्रॉब्लम भी आएगा, तो एक्स्ट्रा पैसे देके पार्किंग कर देते हैं, यू नो। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट हियर। तो यू शुड विजुलाइज दैट, एंड दैट्स व्हाट पीपल हैव बीन डूइंग। इसके बहुत सारे नेगेटिव एग्जांपल्स भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं, फाइन। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स। तो बस कहने का मतलब यही है कि अगर आपको बोला जाए कि भाई एस दे रखा है -10 +40 -40t +4t2, तो कहने का तो ये बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, राइट। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आपके दिमाग में पूरा क्लिक होना चाहिए कौन सी चीज कहां थी, अब कहां जा रही है, अब कहां जाएगी, राइट। तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा शायद ये। तो अगर हम बोल दें कि ये हमारा कन्वेंशनली पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, तो इस इक्वेशन से आप पूरी उसकी ना
कुंडली कुंडली या जो भी है ये उसकी कुंडली है, तो आप उसके बिहेवियर या उसके साथ जो घटनाएं घटने वाली है वो आप पहचान सकते हो। तो क्या मतलब निकलता है बॉडी टी इक्वल टू जीरो पे कहां पर थी? ये चीज बता दी है कि बॉडी शुरुआत में यहां पर लेफ्ट में थी राइट, और ये डिस्टेंस कितना था? 10 था राइट। ओके, अब ये चीज क्या बताती है कि बॉडी राइट साइड में भाग रही थी, हाँ प्लस 40 यहां भाग रही थी। ये चीज क्या बताती है? हाँ मतलब वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से उसकी स्पीड बढ़ रही थी। बढ़ रही थी कम हो रही थी? बढ़ रही थी, दैट्स करेक्ट है ना। प्लस 4 है, है इसका करस्पॉन्डिंगली वो हाफ 80 स्क्वायर होता है ना, तो वेन यू कंपेयर दीज टू यू गेट ए इक्वल टू 8, यू गेट ए इक्वल टू 8। और ए इक्वल टू 8 मतलब एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट साइड, ए इक्वल टू 8 मतलब एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट साइड। तो अगर बॉडी खुद भी राइट साइड में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, अगर बॉडी इधर जा रही है तो उसकी स्पीड कम होगी। बट यहां पर हमने देखा बॉडी राइट साइड में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो 40 है, एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड? व्हाट विल बी द स्पीड आफ्टर 1 सेकंड? जल्दी बोलो, अभी स्पीड इसकी 40 है तो एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अरे अभी इसकी स्पीड 40 है तो अगले इंस्टेंट में इसकी स्पीड क्या होगी? अगले नेक्स्ट वन आफ्टर 1 सेकंड 48। टाइम लगा होगा यार, तुम डर रहे हो मेरे को। ठीक है, या उसकी 40 स्पीड है या उसकी 48 हो जाएगी अगले, फिर या 48 होगी एक सेकंड के बाद, फिर 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी इसकी स्पीड? 56। तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। दैट इज समथिंग यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस। अगर यही मैंने माइनस लिखा होता यहां पर तो इसका मतलब क्या होता? तो इसका मतलब उसका एक्सप्रेशन नेगेटिव हुआ था। ठीक है, माइनस एट हुआ था। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्सलेशन माइनस 8 है मतलब एक्सलेशन इस तरफ प्लस 8 है, मतलब बॉडी यहां एक्सलेट कर रही है 8 से। तो बॉडी की अगर स्पीड इधर है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, अगर बॉडी की स्पीड इधर है तो स्पीड कम होती जाएगी राइट। तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 40 थी, और 1 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। फिर 1 सेकंड बाद स्पीड क्या हो जाएगी? 24 राइट, ऐसे कम होती रहेगी इसकी स्पीड। ठीक है, और कितनी देर के बाद उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी? आफ्टर हाउ मेनी सेकंड स्पीड विल कम जीरो? 5 सेकंड राइट। सो यू नो v इक्वल टू u प्लस ad का सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 40, एक्सेलरेशन माइनस 8, टी आप चाहते हो जीरो हो जाए तो t इक्वल टू 5 सेकंड आ गया। तो 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ऐसे बॉडी यहां पर मोमेंटली रुक जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी एट टी इक्वल टू 5 सेकंड। अब जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो ब्रेक वाली इक्वेशन है ये। लेकिन इस इक्वेशन को ये नहीं पता कि उसको रुकना ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। इस इक्वेशन के हिसाब से टाइम की वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो एस की वैल्यू चेंज होती रहेगी राइट। तो 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड जीरो होगी, 6 सेकंड में क्या होगा? उसकी स्पीड नेगेटिव हो जाएगी राइट। लाइक v इक्वल टू u प्लस 80 में टी को आप 6 पुट कर दो, u कितना है? u 40 है, एक्सप्रेशन कितना है? माइनस 8। टाइम कितना है? 6। तो ये कितना हो गया? माइनस 8 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से सुनना, 5वें सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 6वें सेकंड पे यहां आगे आ जाएगा वो, और उसकी स्पीड नेगेटिव हो जाएगी? सही बात है, 5वें सेकंड पे इसकी स्पीड यहां जीरो हो गई है, तो 6वें सेकंड पे इसकी स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव का मतलब ये पीछे जाएगा ना। Yes. तो वो यहां नहीं रहेगा, वो यहां रहेगा। तो बॉडी का मोशन कुछ ऐसा है, तेज भाग रहा था, धीरे 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 होता गया होता गया होता गया, और फिर वापस ऐसे चालू हो जाएगा। इज इट क्लियर? और इसकी स्पीड यहां बढ़ती रहेगी अभी। फाइन, सो दैट्स व्हाट वी इंटरप्रेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फाइन, बता दो। यस, मतलब वो 1 सेकंड में जाता है, तो फिर अगर हम उसमें
शी आस्किंग कि हम वन सेकंड की ना बात करके हाफ सेकंड की बात करें, राइट? शी आस्किंग सर अगर वन सेकंड की बात ना करके हाफ सेकंड की बात करें तो ठीक है, आप टी इक्वल टू हाफ पुट करते हैं यहां पर तो आपको कुछ और वैल्यूज मिल जाएगी, यू विल गेट इंटरमीडिएट वैल्यूज। आई विल कम बैक टू दिस। ओके हम आगे बढ़ते हैं अभी। सी लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर। इन प्रॉब्लम्स में मैं आपको एक्सप्रेशन बता रहा था, नाउ वी कैन टेक फ्यू प्रॉब्लम्स जहां पर आपको एक्सप्रेशन खुद ही समझना पड़ेगा। वी कॉल सच प्रॉब्लम्स एज मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। सो यहां से बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनते हैं। सो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, मान लो एक बिल्डिंग है, फाइन, और उसकी हाइट है 625 मीटर, फाइन, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, फाइन। ये ग्राउंड लेवल है, ये पेड़ पौधे बने हुए यहां पर, ठीक है। अब इसके टॉप पे एक बंदा खड़ा हुआ है और एक पत्थर को ऊपर फेंकता है, तो देखा स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द रूफ एंड इट थ्रोज अ स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन द स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड, इट्स अ वेरी वेरी हाई स्पीड बॉय इज थ्रोइंग, उसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होंगी शायद। ओके अब मुझे इस सिचुएशन को एनालाइज करना है, तो बोले आप फंडे देख लो क्या चल रहा है यहां पर, कंडीशंस क्या है यहां पर। एक बिल्डिंग है 625 मीटर की बिल्डिंग है, उसके छत पे एक बंदा खड़ा है, कोई पत्थर को 100 की स्पीड से ऊपर फेंकता है, फाइन। तो अब बाय कॉमन सेंस वी कैन से वो पत्थर ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा 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 फिर नीचे आएगा। तो फर्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको अलग अलग बनाया है, एक्चुअल में एक ही लाइन होती है, ऐसे ऊपर जाता है और उसी लाइन में नीचे आता है, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा मैंने साइड में बना दिया। सो एक काम करते हैं, हम इसको ओरिजिन अज्यूम करते हैं, ओरिजिन, ठीक है, लेट्स टेक इट एज ओरिजिन एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज अवर कन्वेंशनली पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। सो बिफोर वी गेट इन द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन, थोड़ा कुछ ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। अगर हम किसी बॉडी को ऊपर उछालते हैं, किसी बॉडी को ऊपर उछालते हैं, फाइन, देन यू, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है जब बॉडी ऊपर जाती है तो? नेगेटिव। और जब बॉडी नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? गुड यार, सही फंडे से, दैट्स करेक्ट। तो नहीं, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, मतलब एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो मे नॉट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली, तो मैं गलत आंसर को भी हाईलाइट करूंगा पहले, फिर समझाऊंगा। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फेंकते हो तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होता है। लेट्स टॉक लाइक दिस, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा मेरे रेफरेंसेस क्या है, और हर आदमी के रेफरेंसेस सेम नहीं होते। आप लोग ऐसे खड़े हो तो आपके लिए ये पॉजिटिव है, कोई उल्टा लटका होगा उसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, यू नो, आई मीन इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एक्चुअली। तो कन्वेंशंस छोड़ो, एकदम बेसिक्स की बात करते हैं। जब बॉडी का ऊपर फेंकते हो ना तो बॉडी डीएक्सेलरेट हो रही होती है और बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे होता है ना, मतलब बॉडी को ऊपर फेंका तो बॉडी की स्पीड कम हो रही है ना, राइट, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे है। अब जब बॉडी नीचे आती है तो भी उसका एक्सेलरेशन नीचे ही होता है, समझ में आ रहा है? नहीं, सिंपल सी बात है, बॉडी को भैंस छोड़ दो, जस्ट रिलीज इट, इसकी स्पीड क्या है यहां पर? जीरो। अब उसने नीचे की डायरेक्शन में स्पीड गेन की, ठीक है, यू रिलीज इट, बॉडी नीचे आई, उसने नीचे की डायरेक्शन में स्पीड गेन की तो मतलब बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा, बॉडी को आपने ऊपर फेंका, पहले उसकी स्पीड 50 थी, बाद में 40 हो गई, फिर 30 हो गई, तो बॉडी डीएक्सेलरेट हो रही है, तो बॉडी ऊपर की तरफ डीएक्सेलरेट हो रही है, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब बॉडी को अब नीचे फेंको, यहां तो हमने रिलीज किया था बॉडी को ऐसे जीरो स्पीड से, अब बॉडी को नीचे फेंको ऐसे किसी स्पीड से फेंको, मान लो आपने बॉडी को 100 की स्पीड से फेंका है नीचे, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 110 हो जाएगी, 120 हो जाएगी,
तो यहां भी नीचे की तरफ एक्सेलेट कर रहा है. इन ऑल द केसेस बॉडी इज एक्चुअली एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड. तो मेक श्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी मिसकंसेप्शन इन योर माइंड कि हम बोले जब बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन नीचे है, जब बॉडी नीचे आती है तो एक्सेलेरेशन डायरेक्शन ऊपर है, या ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल सच नेगेटिव पॉइंट्स. ऐसा कुछ दिमाग में मत रखो. इट्स वेरी सिंपल. बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, हर बार बॉडी का एक्सेलेरेशन नीचे ही होता है. या बॉडी मूव ना करे, जस्ट स्पीड जीरो हो, तब भी. अब मेरा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि एक्सेलेरेशन माइनस 10 हो गया, है ना. ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, हम 10 मान लेते हैं. सो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, हम बोलेंगे एस इक्वल टू एस नॉट. एस नॉट मतलब इनिशियल पोजिशन, दैट इज हियर ऑनली, राइट. विल पुट एस इक्वल टू जीरो प्लस यू टी. यू कितना है? 100 से देखा है इसको, 100 टी. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ए कितना है? माइनस 10. फाइन. नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और एक और चीज समझते हैं कि ये जीरो हो गया क्योंकि मैंने अपना ओरिजिन चूज ही ऐसे किया है कि इसकी स्टार्टिंग पोजिशन से कोइंसाइड कर जाए. बट हम हर बार अगर इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन से कोइंसाइड करा देंगे तो हर बार एस नॉट जीरो हो जाएगा. तो मेरे फॉर्मूला में मैंने इसका प्रोविजन लिया ही क्यों है? एस नॉट का प्रोविजन लिया ही क्यों है? व्हाई डू वी कीप एस नॉट? कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहां उसकी जरूरत पड़ जाए. अरे यहां से वो पाइपलाइन बिछाते हैं कभी भी, तो बीच में आपने देखा होगा वो रोड पे बहुत बड़े बड़े वैसे गोल गोल गटर टाइप के होते हैं, क्यों बनाते हो? पाइप तो नीचे से आ रहा है रोड के, है? फिर वो जो लिड्स होते हैं ना, लिड्स वो ढक्कन होते हैं, वो क्यों बनाते हैं? तो कभी दिक्कत आ जाए तो उसको खोल के अभी अंदर जा सकते हैं. अगर ये सब नहीं बनाएंगे ना और नीचे दिक्कत आई तो पूरी रोड तोड़नी पड़ेगी. सो दे कीप अ प्रोविजन वेयर इफ एट ऑल देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर आर फ्यू सर्कमस्टेंसेस वेयर यू मे हैव टू एक्सेस दैट पाइपलाइन. तो ऐसे ही फिजिक्स में भी कई बार ऐसा होगा कि हम दो बॉडी से डील कर रहे होंगे, एक बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये होगी, एक बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये होगी. तो आप इसको ओरिजिन चूज कर लोगे तो इसका एस नॉट जीरो हो जाएगा, मगर इसका एस नॉट नॉन जीरो हो जाएगा. तो एस नॉट होना बहुत जरूरी है वहां पर, दैट्स व्हाई वी हैड केप्ट एस नॉट देयर. ओके, तो सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन व्हाट डू वी गेट? एस इक्वल टू 100 टी माइनस 5 टी स्क्वायर. This equation will govern the complete motion of this body. अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन 1, फाइंड द पोजिशन या फाइंड द हाइट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड at t equal to 1 second. Fine. See, I'm assuming that the students who are watching this lecture, they don't have any basic concept or they have some doubts about the basic concepts. ठीक है, एक बार आपका level बढ़ गया, basic concept पढ़ गए, तो subsequent lectures में वो automatically higher level पे चले जाएगा. ठीक है, but ये lecture is meant for very basic concepts. लोग बोलेंगे कि सर आपको पढ़ाना ही नहीं आता. ठीक है, बेसिक बेसिक चीज कराया जा रहा है. तो ओके, मेरा पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड एट टी इक्वल टू 1 second. कैसे निकालेंगे? हाँ, तो यार टी को 1 पुट कर देंगे, तो टी को 1 पुट किया तो क्या मिलेगा अपने को, है ना, 100 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 95. तो आई कैन नॉट राइट आंसर एज 95. कई लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं, फटाक से करते हैं 95 एक, और चार ऑप्शन आएंगे, एक 95 को क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे. नंबर कितने आएंगे? माइनस 1. दूसरा स्टूडेंट होगा उसको कुछ नहीं आता होगा, उसके नंबर आएंगे 0. कौन आ गया? दूसरा स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता. ऐसा बहुत होता है जेई में, आई हैव सीन समथिंग हैपनिंग. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्स. एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड
तो एस की वैल्यू 95 का मतलब क्या हुआ, यहां से वो 95 ऊपर है वो, तो उसमें आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो आपने ग्राउंड से पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 95 प्लस 625 दैट इज 720, फाइन दैट इज 720। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, से फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन विल इट बी ऑन द ग्राउंड, व्हेन विल इट हिट द ग्राउंड, व्हेन विल इट हिट द ग्राउंड। अगला क्वेश्चन मेरा ये, व्हेन विल इट हिट द ग्राउंड, ये जमीन को कब हिट करेगा, अदर इंटरेस्टिंग, व्हेन विल इट हिट द ग्राउंड, या दैट्स करेक्ट। मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं, तब तक आप सोचो जिनका नहीं हुआ आगे इसका आंसर सेकंड वाले का। तो सेकंड पूछता है ग्राउंड को कब हिट करेगा, तो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उस टाइम की स्पेशलिटी क्या है, जब ग्राउंड को हिट करता है तो उस टाइम की स्पेशलिटी क्या है। तो नो डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि जमीन पे एक पत्थर और आ गया, कुछ लोग बोलेंगे कि एक टाक करके आवाज आई, राइट, कुछ लोग बोलेंगे अबे यहां पर कोई खड़ा होता तो सर फूट जाता। तो नो अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है, बट हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा ये है व्हेन, व्हेन है ना, हमारा एजेंडा ये है कि वो कब, व्हेन मतलब टी निकालना है कि ये जब पहुंचेगा उस टाइम टाइम क्या होगा। तो हम इस इक्वेशन से पूछेंगे भाई बता टाइम क्या होगा, तो इक्वेशन बोलेगी यार टाइम क्या होगा, वो किस इंस्टेंट में कब की बात कर रहा है, व्हेन, आई मीन सॉरी एट व्हाट हैपेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर आस्किंग द टाइम। तो मैं क्वेश्चन तो बोलूंगा क्वेश्चन यार ये ग्राउंड में पहुंचेगा, ग्राउंड आई कांट राइट ग्राउंड हियर, राइट, आई कांट राइट एस इक्वल टू ग्राउंड, तो समझ नहीं आएगा ना, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा आपको, राइट, आपको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। अभी आपको भी कोई मान लो फ्लाइट बुक करनी है, आपको अपने किसी दोस्त से मिलने आ रहे हैं डेली, तो आप सीधा फोन को बोलोगे कि यार मेरे को दोस्त की पार्टी अटेंड कर रही है, तो फोन आपका कोई टिकट बुक नहीं करेगा। वो दिल्ली आना है तो आपको अकॉर्डिंगली किसी एप्लीकेशन में आना पड़ेगा, उसी एप्लीकेशन में फ्लाइट टिकट बुक करानी पड़ेगी, दैट यू हैव टू डू, उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, राइट, ओके। इसका एक और फनी सा एग्जांपल था कि मान लो आपके पास एक कुत्ता है, राइट, और आप चाहते हो कि कुत्ता किसी एक ऐसे आदमी को काटे जिसने आपको नुकसान कर दिया है, राइट, तो नुकसान आप कैसे कन्वे करोगे, आप अपने घर का एक फोटोग्राफ दिखाओगे, देखो मेरे घर पे एक बड़ा सा टीवी था और वो टीवी से तोड़ दिया, ठीक है, तो आप अपने कुत्ते को फोटो दिखाओगे टीवी का पहले, फिर उस आदमी का फोटो दिखाओगे, फिर टूटी हुई टीवी का फोटो दिखाओगे, राइट, तो आप इस कुत्ते को बताना चाहते हो देखो इस आदमी ने मेरी टीवी तोड़ दिया, तो काट ले जाके, तो कुत्ते को समझ नहीं आएगा, कुत्ता देखता रहेगा उसको, ओके ओके है,
वो हड्डी मांगेगा, हड्डी कहां पर है, राइट? उसको समझ नहीं आएगा कि पहले टीवी का फोटो, फिर आदमी का फोटो, फिर टूटी हुई टीवी का फोटो, दैट कुत्ता विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. उसको आपको उसकी लैंग्वेज देना पड़ेगा, अरे शू 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 करके, राइट? देन प्रॉब्ली वो कुत्ता उसको काटेगा जाके, राइट? तो यू नो एक्जैक्टली जब बॉडी हाई करती है, तो यू हैव टू टेल दिस इक्वेशन, व्हाट इज एस? एस फॉर शू, राइट? तो एस क्या है इस टाइम पे? ये ओरिजिन है. तो एस की वैल्यू कितनी है? हाँ, एस की वैल्यू है समथिंग 625. तो ओरिजिन से 625 मीटर दूरी पर है ये. बट डोंट राइट 625, बिकॉज 625 लिख दिया तो इक्वेशन में समझ में आएगा क्यों 625 ऊपर. इज इट क्लियर? तो इसलिए इसको आपको पुट करना पड़ेगा माइनस 625. तो आपकी इक्वेशन बनेगी 5t स्क्वायर माइनस 100t माइनस 625 इक्वल टू जीरो. अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपके दो आंसर आते हैं, t इक्वल टू माइनस 5 एंड 25. तो माइनस क्यों आता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी हम सिर्फ 25 ले लेते हैं. सो वील से इट इज 25 सेकेंड्स. अच्छा, यहां पर कुछ लोगों का कभी कभी कंफ्यूजन ये आता है कि सर आपने एस को माइनस 625 पुट कर दिया, इसका मतलब आपको ये वाला टाइम मिल गया, इसका क्या? अब इसका क्या? क्या इस इक्वेशन ने इस जर्नी का भी ध्यान दिया है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब मैं s इक्वल टू माइनस 625 पुट करता हूं, ध्यान सुनना मेरा क्वेश्चन क्या है. मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं s को माइनस 625 पुट करता हूं, तो इस इक्वेशन को ये कैसे मालूम चलता है कि इसको यहां से लेके यहां तक का टाइम, फिर यहां तक का टाइम, फिर यहां तक का टाइम, तीनों टाइम जोड़ के देने हैं, ये इस इक्वेशन को कैसे पता चला? हाँ, आपने उसको इनपुट दिया है u इक्वल टू प्लस 100, तो उस इक्वेशन को पता है कि मेरे को ऊपर जाना है पहले, तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन इस बात का ध्यान रखेगी ऊपर जाना है, ठीक है? और इसको नेगेटिव रखा है, ये इस बात का ध्यान रखेगी कि स्पीड उसकी कम होती रहेगी, फिर टॉप पॉइंट पर जीरो हो जाएगी, फिर स्पीड बढ़ती रहेगी, फिर जाके हिट करेगा. तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट आंसर एज 25 सेकेंड्स. आई होप इट इज क्लियर. फाइन, अभी ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये वाले, इन दोनों का आपको आंसर देना है, बट सिर्फ इस इक्वेशन में यूज करके, इस इक्वेशन में यूज करके. देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉप पॉइंट पे कब पहुंचेगा, ये आपको निकालना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके. आई नो दैट द बेटर ऑप्शंस, कई लोग इसका दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं, बट मैं कोई दूसरा तरीका यूज करना नहीं चाहता, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट मोर कंफर्टेबल विद दिस फर्स्ट. होता ना, जैसे साइकिल रेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के टाइम पर आपके पैर में ना वेट्स बांध दिए जाते हैं. आप साइकिल की प्रैक्टिस करते हो तो आपके पैर में ना 3-3 किलो के वेट लटका दिया जाते हैं, ताकि आपको थोड़ी मुश्किल हो जाए. उसका मतलब ये नहीं कि जो आपका ट्रेनर है वो चाहता है कि आप खराब साइकिल चलाओ, वो वेट लगा के आपकी कुछ कंस्ट्रेंट बढ़ा देता है, उसके साथ की मसल पावर और स्ट्रांग हो जाती है. जब आप एक्चुअल साइकिल रेस में आते हो तो जब वेट्स वहां नहीं होते हैं तो आपके लिए और आसानी होती है. जब मैं बोल रहा हूं कि ओनली बाय यूजिंग दिस, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं आपके ऊपर एक कंस्ट्रेंट डाल रहा हूं, मैं आपका एक और वजन डाल रहा हूं आपके ऊपर, नहीं भाई आपको इसको यूज करके आंसर निकालना है, आप इसके अलावा कोई दूसरी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते. तो इस इक्वेशन को यूज करके हम कैसे बताएंगे कि टॉप पॉइंट पे कब पहुंचा? एनी आइडिया? एनी आइडिया? मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉप पॉइंट पे जब पहुंचेगा उस टाइम टाइम क्या है, ये बताना है सिर्फ इस इक्वेशन में यूज कर करके. तो थोड़ी और डिटेल से बात करेंगे हम इसके बारे में, बिकॉज ये इक्वेशन जितनी हमें दिखती है ना उससे ज्यादा इफिशियंट है. जितना जनरली क्लास 10th के स्टूडेंट्स या 10th पास स्टूडेंट्स इसके बारे में समझते हैं, उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है ये. और इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस इक्वेशन, तो क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी.
तो देखो फंडा ऐसा है कि आप इसमें t की कोई वैल्यू पुट करो तो आपको s की कितनी वैल्यूज मिलती है. इफ यू पुट t इक्वल टू से 1, हाउ मेनी s विल यू गेट? ओनली 1, राइट? बिकॉज ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, राइट? आपने t को 1 पुट किया, s आ जाएगा, एक वैल्यू आएगी. वो एक लीनियर इक्वेशन होती है. तो वेर इज द लीनियर इक्वेशन? दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. अब मैं बोलता हूं अगर मैं s को पुट करता हूं, कुछ मान लो एस को मैं 10 पुट करता हूं, तो टी की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 आएंगी, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी. समझ में आ रहा है क्या? सो लीनियर इक्वेशन है इसीलिए 1 आंसर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 आंसर है. ये इसके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है. बट थोड़ा सा हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो रियल लाइफ में इसका बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिल जाता है हमें. वो ये होता है, जैसे पूछते हैं भाई तुम कल मॉर्निंग में, कल क्या डेट थी? हाँ, तुम 4 अगस्त को 8 बजे सुबह कहां पर थे? हाँ, 8 बजे सुबह ये प्राइम में था. इसने एक ही आंसर दिया ना, समझ में आ रहा है क्या? मैंने पूछा 8 बजे कहां पर था, तो उसने बोला प्राइम में था, राइट? अगर ये प्राइम नहीं आंसर देता तो कुछ बोलता, मैं अपने घर में था, ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, ठीक है, इधर ध्यान दें, ठीक है. तो बोलेगा नहीं सर, इसके बारे में बात करते हैं पहले हम. यानी तो 8 बजे कहां था? वो कोई एक ही जगह पर होगा, राइट? तो एक टाइम पे वो एक ही जगह हो सकता है, ऑब्वियसली. वो थोड़ी है कोई वो कोई कौन सी मूवी थी यार, वो एक रोबोट थी, रोबोट, रोबोट में वो रजनीकांत के बहुत सारे मल्टीपल बन जाते हैं ना, तो एक ही जगह पर, एक ही टाइम पे बहुत जगह होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कुछ ना. तो एक टाइम पे तो एक ही जगह होगा, ठीक है, और प्राइम में होगा, ठीक है. तू ऐसे इधर उधर की चीजें फैंटेसाइज मत कर अभी, ठीक है. और मुझे बता, अगर मैं तुझसे पूछता हूं कि तू प्राइम में जब था तो उस टाइम टाइम क्या था? व्हेन आई आस्क यू, जब तू प्राइम में था तो टाइम क्या था, तो उसका क्या आंसर आएगा? मल्टीपल आंसर आएंगे ना सर. सुबह 8 बजे भी था, सुबह 9 बजे भी था, 10 बजे भी था, 11 बजे भी था, कल भी था, परसों भी था, सर रोज यहीं पर था सर, ठीक है. तो व्हेन यू गिव द पोजीशन यू कैन गेट मल्टीपल टाइम, बट व्हेन यू पुट टाइम यू गेट सिंगल पोजीशन, बिकॉज एक जगह आप एक ही टाइम पे रह सकते हो. सही बोल रहा हूं क्या? नहीं, एक जगह आप मल्टीपल टाइम से रह सकते हो, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही जगह रह सकते हो. इसीलिए आप ठीक ही वैल्यू पुट करते हो, आपको एक ही एस मिलता है, लेकिन जब पोजीशन फिक्स करते हो तो मल्टीपल टाइम मिल जाते हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप जमीन से 805 की हाइट पे कब थे, इन दोनों क्वेश्चन को होल्ड पर रखते थोड़ी देर के लिए, इफ इफ पे आते हैं, ठीक है. व्हेन विल इट बी 805 मीटर अबव ग्राउंड? मान लो ये पूछता हूं, आई एम कीपिंग थर्ड एंड फोर्थ ऑन होल्ड फॉर सम टाइम. व्हेन विल इट बी 805 मीटर अबव ग्राउंड? इसका आंसर क्या आएगा? निकालो फटाफट इसको. व्हेन विल इट बी 805 अबव ग्राउंड? तो देखो, जमीन से 805 ऊपर आने का मतलब एस की क्या वैल्यू हो जाएगी? ये 625 है, ये 805 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180. ये 180 हो जाएगा, राइट? एस 180 हो जाएगा. एस की वैल्यू 180 हो जाएगी, राइट? When you put s equal to 180 and you solve this quadratic equation, you get answers. अब वो सॉल्व करने की जरूरत है, आप कुछ चेक कर सकते हो. जब इस quadratic को सॉल्व करते हो, 5t square minus 100t plus 180 equal to 0, you get t equal to 2 and 18, right? तो इसका मतलब ये
इस पोजीशन पे दो बार आएगा, एक बार दो सेकंड पे, एक बार 18 सेकंड पे, ठीक है। तो वो दो आंसर्स कैसे आ रहे हैं? हाउ कम आई गेटिंग, हाउ कम एम आई गेटिंग टू आंसर्स हियर? क्योंकि मैंने उसे ये नहीं पूछा है कि ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, मैंने उसे ये पूछा था भाई 805 की हाइट पे कब था, और ये 805 की हाइट पे दो बार आया था, राइट? एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार नीचे जाते टाइम। तो आपको दोनों आंसर दे देगा, इसलिए टू आंसर्स। नो, लेट्स गेट बैक टू दिस क्वेश्चन वंस अगेन। व्हेन विल इट बी एट द हाईएस्ट पॉइंट? तो हाईएस्ट पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है? वो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही बार पहुंचता है ना। बॉडी को पता है कि मेरे को हर पोजीशन पे दो बार पहुंचना है, ठीक है। तो वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उसको पता है कि दो बार पहुंचना है यहां पर, राइट? तो आऊंगा तो दो बार पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन वो गया और टॉप पॉइंट पे, अरे टॉप पॉइंट पे एक बार पहुंचाऊ, यहां भी दो बार पहुंचना है, दो बार ऊपर हो जाता हूं। तो ऐसा नहीं होता ना, बॉडी ऊपर गई भी दोबारा ऊपर गई। टॉप पॉइंट पर सिर्फ एक ही बार पहुंचता है, इट रीचेज द टॉप पॉइंट ओनली वंस, राइट? तो इसका मतलब आपको एस की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आपका टी का एक ही आंसर आ जाए। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस इन सच अ वे दैट यू विल गेट ओनली वन आंसर ऑफ टी। तो यहां पर हम लोग कहीं ना कहीं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फंडे यूज करते हैं। अपने क्वाड्रेटिक को पढ़ा होगा कि उसका सिंगल रूट कब आता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है ना। एक काम करते हैं, पहले इसको ना अच्छी तरह क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स राइट इट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, इसकी बनेगी 5t² - 100t + s = 0। यानी सॉल्व इट, अगर t = -b + -b² - 4ac, मतलब 20s/10, राइट? यू विल गेट दिस टी, राइट? तो आप इसमें s की सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, आपको करस्पॉन्डिंग टी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जब आप s को 180 पुट करते हो, है ना, 805 की हाइट पे था ना, 180 था ये, वेरी गुड। s को 180, तो t की दो वैल्यूज आती है 218। लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो t की एक ही वैल्यू आएगी, और t की एक वैल्यू आएगी मतलब जो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, व्हाई डू वी कॉल इट डिस्क्रिमिनेंट? हम इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन टू रूट्स। जो रूट है ना, ये वाला सेक्शन, ये रेस्पॉन्सिबल होता है दो रूट्स के लिए। इसी की वजह से दो रूट्स में अंतर आता है, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट को आप मार डालो, राइट, मारने का तरीका तो साइन एट देके नहीं है, ठीक है। अब इफ यू किल दिस डिस्क्रिमिनेंट, ऑटोमेटिकली यू गेट वन आंसर। हाउ कैन वी किल दिस डिस्क्रिमिनेंट? हाँ, इसको जीरो से इक्वेट करके, राइट? और उसको जीरो से इक्वेट करने का मतलब क्या हुआ? एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000/20, दैट इज 500 meters। सो फ्रॉम हियर वी इनडायरेक्टली गेट एन इन्फॉर्मेशन दैट व्हेन एस इक्वल टू 500 meters यू विल गेट यूनिक वैल्यू ऑफ टी। तो इट हैज टू बी द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसी इक्वेशन को यूज करके मेरे को मैक्सिमम हाइट मिल गई। तो क्या आंसर आया इसका? हाँ, मेरा क्वेश्चन था व्हेन विल इट बी एट द हाईएस्ट पॉइंट, व्हेन, मतलब टाइम पूछ रहा है आपसे, है ना। और सेकंड क्वेश्चन में आपसे व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड पूछ रहा है। एस की जो वैल्यू 500 है तो टॉप पे था, तो ये 500 + 625 = 1125। तो इसका आंसर हो गया 1125 meters। और व्हेन मतलब कब, कब पहुंचेगा यहां पर? तो जब इसको जीरो किया था तो टी वॉज 100/10, 10 seconds। तो इसका आंसर आ गया 10 seconds, राइट? ओके, तो अभी जरा हम एक वापस से इसका एक फ्लैशबैक लें कि यहां पर क्या क्या हो रहा है, तो हमें समझ में आएगा
कि देखो टी इक्वल टू जीरो की बॉडी यहां पर थी, टी इक्वल टू वन पे यहां थी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और टी इक्वल टू टेन पे यहां पर आ गई थी, राइट, टी इक्वल टू टेन पे यहां पर आ गई थी, फिर टी इक्वल टू इलेवन पे यहां पर आ गई थी, टी इक्वल टू ट्वेल्व, टी इक्वल टू ट्वेंटी पे यहां पर आएगी, वो हम देख लेंगे बाद में, फिर टी इक्वल टू ट्वेंटी वन पे यहां पर आई थी, ऐसे करते करते टी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पे यहां पर आई थी, ठीक है। तो ये जर्नी का पोजीशन वर्सेस टाइम डेटा है, यहां से स्टार्ट किया, टाइम बढ़ता रहा वन टू थ्री फोर फाइव टू टेन, फिर टाइम बढ़ता रहा इलेवन ट्वेंटी थर्टीन फोर्टीन, सॉरी ट्वेंटी के बाद क्या आता है, थर्टीन आता है क्या, नो, ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव यहां पर आ गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था, एक बिल्डिंग के टॉप पे से एक पत्थर को ऊपर फेंका है 100 की स्पीड से और बिल्डिंग की हाइट 625 है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था। आपने अपनी पुरानी बुद्धि यूज की उसके अंदर क्या, अच्छा पत्थर हवा में है तो ग्रेविटी नीचे एग्जिस्ट करती है, ये किसने बताया था, न्यूटन अंकल ने बताया था, राइट, जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे सर पे उनके एप्पल गिरा, आप लोगों ने सोचा होगा क्यों गिरा ये एप्पल, पत्थर वत्थर गिर जाता कुछ है, ग्रेविटी के फंडे नहीं आते, हमारी परेशानी खत्म हो जाती, ठीक है। एनीवेज तो ग्रेविटी नीचे एग्जिस्ट करती है, ये आपने उसमें कॉन्सेप्ट लगाया, ये एक कॉन्सेप्ट था, दूसरा कॉन्सेप्ट एस का रिलेशन क्या, ये आपने लगाया, ठीक है, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे डील करते हैं ये आपने लगाया, तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आपने एक साथ जोड़ दी और फाइनली आप यू केम अप विद अ कॉन्सेप्ट दैट द बॉडी इज गोना मूव लाइक दिस, नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। अब धीरे धीरे ना इन क्वेश्चन को ट्विस्ट करते रहेंगे हम, फाइन, तो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, देयर इज अ गाय स्टैंडिंग हियर, एक बंदा खड़ा है यहां पर एक स्कैनर लेके, इसका स्कैनर है एक, ठीक है, या रडार है रादर, ठीक है, सेंसर है यार, सॉरी सेंसर है, ठीक है, तो सेंसर क्या करता है, पत्थर को सेंस करता है, तो जब तक इस बंदे को पत्थर दिखेगा तब तक उसका सेंसर ऑन रहेगा, जब इसको पत्थर दिखना बंद हो जाएगा इसका सेंसर ऑफ हो जाएगा, तो बंदा यहां पर खड़ा है तो पत्थर इसको कब दिखता है, यहां से पूरा यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर इसके बाद इसको पत्थर दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, और उसका सेंसर ऑफ हो जाएगा। आई कैन पुट इट लाइक दिस, फॉर हाउ मच टाइम हिज सेंसर वॉज ऑन, हिज सेंसर वॉज ऑन, या दैट्स करेक्ट, उसका सेंसर ऑन तब तक रहेगा जब तक पत्थर यहां पर आएगा, राइट, और यहां आने का मतलब क्या होता है, टी को हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई एम सॉरी, एस को हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी, यहां पर आने के बाद एस इक्वल टू जीरो, सो इफ यू पुट एस इक्वल टू जीरो यू गेट टू आंसर्स फॉर टी, एक जीरो एक ट्वेंटी सेकेंड्स, इसे समझ आ जाएगा कि आपका 20 सेकेंड आंसर है, फाइन। इनफैक्ट ये पोजीशन ना यूज करके मैं कुछ और पोजीशन भी यूज कर सकता था, आई कुड हैव आस्क्ड कि वो जमीन से सॉरी अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन विल इट बी 520 मीटर्स अबव ग्राउंड, अभी आपको बहुत ऑब्वियस और रिपीटेटिव लगने लग गया होगा ना, व्हेन विल इट बी 520 मीटर्स अबव ग्राउंड, मतलब यहां पर कब रहेगा, यहां पर इस लेवल पे कब रहेगा, इस लेवल पे कब रहेगा वो, तो कैसे निकालेंगे, जब वो इस लेवल पर रहेगा तो मुझे एस के लिए पुट करनी पड़ेगी, 625 है ये 520 है तो ये कितना हो गया 105, एस को क्या पुट करेंगे हम लोग, माइनस 105, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आंसर आता है, टी इक्वल टू
21 राइट, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपका. सो वन मोर थिंग, हमने पहले इस बारे में बात की है कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना आंसर यहां तक पहुंच जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि यहां कब पहुंचेगा, तो मैनी स्टूडेंट्स आर एबल टू राइट दिस थिंग कि सर जब यहां पहुंचेगा तो साइड पर ये 105 होना चाहिए. तो आप इसको माइनस 1 किलोबाइट पुट करोगे, यहां तक आ जाता है. फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे, कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं और आंसर नहीं आता है, अंधे के डिमोरलाइज्ड. सो आपको ना समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कहां पर हुई है. डिड यू कमिट अ मिस्टेक इन राइटिंग दिस इक्वेशन और डिड यू कमिट अ मिस्टेक इन सॉल्विंग दिस इक्वेशन. सो देयर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अगर आप इक्वेशन लिख पाए हो मतलब आपको फिजिक्स पूरी क्लियर है, और अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए हो तो आपने मैथ्स में थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी है जो कि प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएगी. क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, उनको लगता है कि हमको फिजिक्स नहीं आती है, भले उनका आंसर यहां तक आ गया है. और फाइनल आंसर करेक्ट नहीं आ पाया, उनकी सॉल्यूशन यहां तक पहुंच चुका है बट फाइनल आंसर करेक्ट नहीं आ पाया, तो वो थोड़ा डिमोरलाइज होते हैं और पढ़ाई से मन भी उड़ जाता है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की है, यू नो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मोरल अप रहे, क्योंकि नहीं तो 2 साल तक बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई हो नहीं पाती है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है. अनलेस आपको थोड़ा सा अंदर से एक मोटिवेशन मिलता रहे, तो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. फ्रेंड, इसके लिए मैं एक पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि आप कोई 3-4 करोड़ की कार खरीद लो, फिर आपने कोई फरारी खरीद ली, फरारी के लिए पूरे पैसे दे दिए और फरारी आपके घर पर भी आ गई, और आप फरारी में बैठे और फरारी चलती नहीं है, राइट? तो यू मे गेट हार्ट अटैक. अरे यार 3-4 करोड़ की कार थी, चलती भी नहीं है, तो व्हाट्स द यूज? बट यू हैव टू वेरी क्लियर कि वो क्यों नहीं चल रही है. हाँ, हो सकता है उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है तो कैसे चलेगी, राइट? तो उसके अंदर पेट्रोल नहीं है तो फिर यू कैन बी ओके, ठीक है यार 1000-2000 का पेट्रोल भरा दूंगा, आराम से कार भागेगी, तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट. बट अगर उसमें इंजन ही नहीं है तो फिर ठीक है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट? तो बड़ी प्रॉब्लम है शायद. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल नहीं है तो भी काम चल जाएगा. आप बड़े कल आपको सुबह लोनावला जाना है घूमने के लिए, कल 4 AM सुबह लोनावला जाना है अपनी फरारी लेकर, और रात को उसमें पेट्रोल नहीं है, सिल यू आर ओके, इंजन तो है ना तो उसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इनके फंडेस ठीक होते हैं लेकिन आंसर नहीं ला पाते हैं बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, तो फाइनली नंबर नहीं आते. तो कुछ यूज नहीं है उसका यार, नंबर तो चाहिए चाहिए, ठीक है? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, एनीवेज, हाँ बात कर रहा था मैं इसकी, तो उसका आंसर आ गया. अब घर पे सॉल्व कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा 21 सेकेंड, ठीक है? कूल. अब देखो मेरे जो अगले 2 क्वेश्चंस है ना, उसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं बिना कैलकुलेशंस किए, ठीक है? आपको थोड़ा सा फिलोसफिकल लेवल पे सोचना है, नंबर्स में नहीं जाना है, आपको नंबर्स पुट करके आंसर नहीं निकालना है, ऊपर ऊपर से सोच के बताना है क्या आंसर होना चाहिए उसका, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट अबाउट टी व्हेन S इक्वल टू 600 मीटर्स. आपने पता लगाया था कि ये हाइट 500 मीटर है, याद है आपको? है ना, आपने पता लगाया था यहां पर ये हाइट 500 मीटर है. तो पूछ रहा हूं अगर मैं इस इक्वेशन में S को 600 पुट कर दूं, मतलब यहां पुट कर दूं, तो क्या लगता है T की क्या वैल्यू होगी? या नहीं, यू यू यू, अगर मैं S को 600 पुट कर दूं तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ T? इस इक्वेशन में S को अगर मैं 600 पुट कर दूं तो T कैसा आना चाहिए? या दैट्स करेक्ट, इफ यू पुट S इक्वल टू 600 देन S विल, देन T विल बी इमेजिनरी.
तो कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, वो सोचते हैं कि टी नेगेटिव हो जाएगा. बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग. ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एस और टी के बीच का रिलेशन है. इट्स अ प्योर मैथमेटिकल इक्वेशन. इस इक्वेशन को नहीं पता है कि एस क्या है और टी क्या है, जिसके हिसाब से टी सिर्फ एक वेरिएबल है, एस भी सिर्फ एक वेरिएबल है. ठीक है, और एक्चुअल में देखा जाए तो इसके हिसाब से टी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज अटेन करता है. अगर आपने फंक्शंस पढ़ा हुआ है तो वी कॉल इट डोमेन, राइट. तो इसमें टी जो वेरिएबल है उसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है. बट तो रियल लाइफ में टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी का सिग्निफिकेंस है बिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर बैक, पुराने जमाने की बात चल रही है. ठीक है, बहुत पहले वो आदि मानव के जमाने की बात चल रही है कि उस टाइम पे टी जब माइनस इन्फिनिटी हुआ करता था तो एस की वैल्यू क्या होती थी उस टाइम पे? पुट टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है, अगर आप यहां माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो एस की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी. तो इस इक्वेशन को यह समझ में आता है कि पत्थर आदि मानव के टाइम से शुरू हुआ है और उस टाइम पर यह पाताल में था, राइट. बिकॉज यू पुट एस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी मतलब इस लेवल से बिलियंस एंड ट्रिलियंस माइल्स नीचे. फिर जैसे जैसे टी बढ़ता रहा, टी की वैल्यू माइनस बिलियन से माइनस वन लाख हो गई तो टी यहां कहीं पहुंचा होगा. फिर टी की वैल्यू माइनस फाइव हो गई तो यहां पहुंचा होगा. टी इक्वल टू माइनस वन हो गई तो यहां पहुंचा होगा. टी इक्वल टू जीरो हो गई तो यहां पहुंचा होगा. टी इक्वल टू वन हो गई तो यहां पहुंचा होगा. टी इक्वल टू 10 सेकंड्स हो गई तो यहां पहुंचा होगा. टी इक्वल टू 20 सेकंड्स हो गई तो यहां पहुंचा होगा. टी इक्वल टू 30 सेकंड्स हो गई तो यहां पहुंचा होगा. नहीं सॉरी, टी इक्वल टू 25 सेकंड्स हो गई तो यहां पहुंचा होगा, राइट. तो इस बीच वहां भी पहुंचा ही नहीं ना वो. तो अगर फिर भी आप एस को 600 पुट कर दो, मतलब पूछो नहीं नहीं बता यार कब पहुंचा. होता ना कई बार से कोई आपको कहानी सुना रहा है या कोई बात बता रहा है कि यार मैं आज सुबह उठा, फिर मैं सुबह उठ के सीधा क्लास गया और फिर क्लास से मैं घर चले गया, बस यही मैंने किया. तो अपने डैडी पूछेंगे वो सब छोड़ी बता तूने आज कौन सी मूवी देखी. यार मूवी देखी नहीं मैंने, मैं सुबह उठा क्लास गया और घर आ गया, दैट्स इट. फिर पूछ रहे ये कौन सी मूवी देखी, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी ना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. तो आप यह बोल दोगे कि भाई नहीं ऐसा हो नहीं सकता, आप मत पूछो. ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं बोल सकता कि आप मत पूछो मुझसे ये चीज, राइट. आप यहां नहीं पहुंचाइए तो आप फिर भी एस को 600 लिख रहे हो तो इट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट राइट इट. आप ऐसा नहीं लिख सकते. बट वो इक्वेशन थोड़ी आपका हाथ रोक देगी, 600 मत लिखना, यहां पर पहुंचा ही नहीं 600 पे, या फिर मार्कर चलना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. आपने जबरदस्ती की ऐसी कुछ नहीं जाता, आपने उसको बोला है कि नहीं 600 से इक्वेट किया है और बता टी की वैल्यू क्या होगी. तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था. सो इट्स आवर इमेजिनेशन, राइट, एंड दैट्स व्हाई वी विल गेट द रिजल्ट फॉर टी विच इज इमेजिनरी. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स. हम क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं ना इमेजिनरी रूट्स आई है, इसका मतलब ये होता है कि इमेजिनरी रूट्स आई है. इमेजिनरी का ये मतलब होता है ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो आप अगर बोलते हो इसका नेगेटिव आंसर है तो गलत है. नेगेटिव तो एग्जिस्ट भी करता है. टी इक्वल टू नेगेटिव पे वो कहीं पर था पहले. इज इट क्लियर? तो हियर यू गेट कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी रूट्स. फाइन, लास्ट क्वेश्चन. कमेंट अबाउट पोजीशन एट टी इक्वल टू 30 सेकेंड्स. जब टी को हम 30 डालेंगे तो एस की किस तरह की वैल्यू मिलेगी हमें? जब हम टी को 30 डालेंगे तो अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बात की जाए तो भी पत्थर यहां गिरा है 25 सेकंड पे, तो 30वें सेकंड पे या तो यहां पर होगा या बाउंस किया होगा, राइट. लेकिन इस इक्वेशन को हमने ऐसा कोई डेटा नहीं दिया है. तो इस इक्वेशन के हिसाब से जब हम टी को 30 डालेंगे तो वो ग्राउंड के अंदर जा चुका होगा. यू कैन चेक इट, टी को टू 30 है यू गेट माइनस
1.5 किलोमीटर, तो मतलब वो इस छत से 1.5 किलोमीटर नीचे जा चुका होगा. इज इट क्लियर? श्योर? ओके. फाइन. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, छोटा या बहुत लंबा एग्जांपल था, एस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को जस्टिफाई करने के लिए. तो जो हम बुक्स में पढ़ते हैं कई बार वो फॉर्मूला ऐसा होता है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें और जो हमने यहां पढ़ा है उसको हम कोरिलेट करें क्या होता है. देखो हमने आज ये पढ़ा था एस माइनस एस नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? यही पढ़ा है ना. मैंने क्या लिखा था, एस नॉट को राइट साइड में रखा था बस. तो आज की क्लास में जो हमने यहां पढ़ा है वो जनरली बुक्स में या फिर जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें ऐसे यूज होता है. तो उसका क्या मतलब है, देखो एस नॉट इसका यहां पर है, ठीक है, एस नॉट मान लो इसकी वैल्यू है 10 मीटर, फाइन. और किसी इंस्टेंट पे वो यहां पहुंच गया, मान लो इसकी वैल्यू है 40 मीटर. तो इसको 40 फुट करोगे और इसको 10 फुट करोगे तो आपको एस माइनस एस नॉट क्या मिल जाएगा, 30. एक्चुअली जब आप सर ये फॉर्मूला यूज करते हो ना तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट देता है, प्लस 30. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 30 शिफ्ट हुआ है. दिस गिव्स अ डिस्प्लेसमेंट. समझो इस बात को एक बार. वेन यू यूज दिस फॉर्मूला इट मीन्स यू गेट वो स्टार्टिंग पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है. वेन यू यूज दिस फॉर्मूला यू गेट द एग्जैक्ट पोजीशन. देयर इज अ डिफरेंस, अलग अलग बातें है ना. ये समझ में आ रहा है क्या? मैं बोलूं कि ये बॉडी है यहां पर और एक बॉडी यहां पर है. तो ये बॉडी है एक्स इक्वल टू 10 पे, ये बॉडी है एक्स इक्वल टू 60 पे. पहले ये वाली बॉडी इसके साथ थी. तो हम बोलेंगे इसकी पोजीशन 60 है जो कि इसको रिफर करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये 50 डिस्प्लेस हुआ है जो इसको रिफर करता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, ठीक है. टू स्टार्ट विद आई विल रिकमेंड आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी. पहले कहा था बाद में कहा था उसका डिफरेंस ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट फॉलो. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल जहां पे देयर आर टू बॉडीज इन्वॉल्व, दो बॉडीज है, ठीक है. एक ट्रक है जो राइट साइड में जा रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, फाइन. इसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन है 0. इट्स अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. एंड देयर इज अ कार. ये कार इनिशियली जा रही है 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स नॉट. अभी कुछ क्वेश्चन पूछे. शवान, दिस इज अ स्नैपशॉट एट टी इक्वल टू 0. ये इनका एक फोटोग्राफ है टी इक्वल टू 0 पे. जो आप रेगुलर प्राइम के स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन कराने से पहले कुछ और भी हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर दिए थे, राइट. बस इन दिस लेक्चर वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं अवॉइड कर रहा हूं यहां पर थोड़ा सा. आई एम जंपिंग ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट डायरेक्टली, फाइन. तो अगर आपको थोड़ा पुराने सेक्शन में कुछ डाउट्स रहे होंगे तो आपको
उसके पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोबारा से अच्छी तरह से, राइट। तो एनीवेज क्वेश्चन ये है कि एक ट्रक है जो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है और इनिशियल स्पीड 10 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस एक्स नॉट दिया हुआ है। इफ एक्स नॉट इक्वल टू 200 मीटर when will they meet, when will they meet, मेरा पहला क्वेश्चन है। अगर आपको x नॉट की वैल्यू 200 दे दी जाए तो ये लोग कब मिलेंगे? तो वैसे तो एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के हम इसको और कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा बेसिक से करता हूं इसको, ठीक है। या एक्स नॉट 200 दिया है तो व्हेन विल दे मीट, सो लेट मी डू इट बाय वेरी वेरी बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है। मैं उस एस वाली इक्वेशन में यूज करना चाहता हूं यहां पर, सो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं उस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बोलूंगा मेरा ये ओरिजिन है और ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट। अब ये मैंने ओरिजिन इसलिए चूज किया है ताकि मेरे को कम से कम एक बॉडी का एस नॉट इग्नोर करने को मिले, राइट। नाउ आई लाइट द इक्वेशन फॉर दिस, एस फॉर ट्रक, एस नॉट क्या है इसके लिए, एस नॉट जीरो बिकॉज इनिशियल पोजिशन जीरो है इसकी, राइट। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 60, एक्सलेशन जीरो है। अब बात करते हैं कार की, ठीक है। एस ऑफ कार, जो कार की जो इनिशियल पोजिशन क्या है, इसको सिर्फ 200 दिया ना मैंने, 200 प्लस उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10। अभी बोल रहा है ये एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, मेरा कन्वेंशनल डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है, तो ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, हाफ 4t स्क्वायर, तो फोर इधर ले सकता हूं 2t स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत ऑब्वियस चीज है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिटेल से बात करूंगा इस बारे में। जब हम बोलते हैं ना दो लोग मिल रहे हैं, व्हेन वी से टू बॉडीज और टू पीपल आर मीटिंग, तो इसका मतलब होता है सेम पोजीशन सेम टाइम, फाइन। तेरा एग्जांपल लूं क्या मैं भी, नाम बता दो अपना, व्हाट्स योर नेम, हाँ चिन्मय, चिन्मय की वाट लगने वाली है, चिन्मय और चिन्मय की गर्लफ्रेंड, ठीक है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम आज शाम को मैकडी से मिलेंगे, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, जल्दी बोल क्या नाम है, नो नो देवी, ठीक है, नो गर्लफ्रेंड भी तो बोला था, ठीक है। तो इसे अरे रुको 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 यार, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं नो देवी यार, नो नो देवी, तो इनके नाम क्या बोलना, चिन्मय, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो बेचारा चल रहा है देखो उधर, ठीक है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम आज शाम को 6 बजे मैकडी से मिलेंगे। तो चिन्मय जो है वो 6 AM पे पहुंचा है, सुबह से पहुंचा है 6 बजे, ठीक है, और 6 PM पे पहुंचती है। तो दोनों मैकडी से पहुंचे बट क्या वो मिल पाए, नहीं मिल पाए, राइट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सही टाइम पे, मतलब दोनों 6 PM पे पहुंचे, ठीक है, वो पुणे वाले मैकडी से पहुंच गया, वो न्यूयॉर्क वाले मैकडी से पहुंच गई, ठीक है, यूएस में पहुंच गई वो सेम टाइम पे, तो विल दे मीट, नो। मीटिंग में जरूरी है कि सेम टाइम सेम पोजीशन, राइट, उनका एक टाइम पे ही एक पुश रहना चाहिए। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन समझ में आती है। तो मान लो किसी टाइम पर मिलते हैं, मान लो टी नॉट टाइम पर मिलते हैं, दे मीट एट टी नॉट टाइम, तो हम इसको टी नॉट पुट कर देंगे और एस ऑफ ट्रक निकाल देंगे, हम इसको भी टी नॉट पुट कर देंगे और एस ऑफ कार निकाल देंगे, ठीक है। और मीटिंग का मतलब हो जाएगा कि एट टी नॉट, मतलब टी नॉट पे मिल रहे हैं, मीटिंग एट टी नॉट, मीटिंग एट टी नॉट का मतलब एस ऑफ कार
इक्वल टू एस ऑफ ट्रक. इज इट क्लियर? श्योर? तो ठीक है, जस्ट इक्वेट दीज टू. 60 टी नॉट इक्वल टू 200 प्लस 10 टी नॉट प्लस 2 टी नॉट स्क्वायर. नाउ यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी सॉल्व, यू विल गेट टू आंसर्स. क्या आंसर्स आए हैं इसके? 20 एंड 5. सो दे मीट ट्वाइस ना, वो दो बार मिल जाते. आई होप इट इज क्लियर. ओके, अब मैं पूछता हूं, दो बार क्यों मिल रहे हो? व्हाई आर दे मीटिंग ट्वाइस? इसका सिंपल सा फंडा है, ये कार है, ये ट्रक है, ठीक है. दिस इज कार, दिस इज ट्रक. कार आगे थी, राइट? और कौन तेज भाग रहा था? ट्रक. तो ट्रक, ट्रक तेज भागने की वजह से ट्रक क्रॉस कर जाता है इसको. लेकिन अल्टीमेटली कौन आगे जाएगा? कार. क्यों? कार एक्सीलरेट कर रही है. कार की जो स्पीड है वो 100 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी? 410. तो कार 410 की स्पीड से भाग रही है और ये 60 की स्पीड से भाग रहा है, तो कौन आगे जाएगा? कार जाएगी ना. 1000 सेकंड के बाद 4010, 1,00,000 सेकंड के बाद 4,10,000. तो डेफिनेटली कार इज गोना ओवरटेक. तो शुरुआत में क्या है, शुरुआत में ट्रक ने इसको ओवरटेक किया बिकॉज ट्रक तेज भाग रहा था, लेकिन अल्टीमेटली कार ही आगे भागने वाली है. ये चीज स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होती है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टेंथ के बाद थोड़ा ज्यादा फास्ट होते हैं, उनका ब्रेन तेज चल रहा होता है, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की होती है पहले, द कंसेप्चुअली बेटर, राइट? पर अल्टीमेटली आईआईटी निकालने वाले वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये बेटर रहता है. डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट रेट ज्यादा होता है उनका. आई होप यू गेटिंग पॉइंट. फाइन, अगर आप सोचो कि आपकी टाइम लाइन ऐसी है कि अभी 2018 चल रहा है, नहीं 17 चल रहा है और ये 2019 है, राइट? तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है अभी आगे हो और कुछ स्टूडेंट थोड़ा पीछे हो, मैंने बहुत बार देखा है. बट जब आईआईटी की बात आती है तो जो इनिशियल लीड है ना, ये यही सब कुछ नहीं होती है. मैटर क्या करता है, डेली बेसिस पे दूसरे स्टूडेंट से कितना ज्यादा लीड ले रहे हो. आपकी अगर डेली बेसिस की लीड आधे आधे घंटे की भी है, हाफ एन आवर में भी थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई आप कर पा रहे हो और यू आर गेटिंग मोर इनपुट ऑन डेली बेसिस, तो इन लॉन्ग रन द पर्सन विद बेटर स्पीड ऑलवेज लीड्स, राइट? इन दिस केस इट इज एक्सप्लेनेशन एक्चुअली. फाइन, यू इक्वेट दीज टू एंड यू गेट इज आंसर. मेरा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसमें, आई कैन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन हियर. आई कैन आस्क यू For how much duration? For how much duration? Truck. For how much duration? Truck was ahead of car. उसका आंसर क्या आएगा? Yeah. तो actually हो ये रहा है कि 5 सेकंड के बाद वो लोग मिलते हैं और ट्रक आगे चले जाता है, 20 सेकंड के बाद दोबारा मिलते हैं और कार आगे चली जाती है. तो 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक 15 सेकंड की ड्यूरेशन में ट्रक आगे था. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है? ये सब इंटरेस्टिंग है. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने x0 की 200 वैल्यू मानी है, ठीक है? सेकंड में भी x0 की 200 मानी है. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मैक्सिमम एक्स नॉट सच दैट दे विल मीट. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्स नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि वो मिल पाए. ये सबसे ट्रिकी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस लेक्चर का. ध्यान सुनना, देखो. अब x0 की ना अपने मन मर्जी से कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते. आप सोचोगे x0 जो है वो 10,000 किलोमीटर है फिर भी लोग मिल लेंगे, ऐसा नहीं होगा. x0 की एक लिमिट होगी, वो लिमिट हमें पकड़नी है.
क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ, इनिशियली कार यहां पर थी, ट्रक यहां पर था, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस था एक्स नॉट का, तो एक्स नॉट की आप कितनी से ज्यादा वैल्यू रख सकते हो कि उन मिल लें? फाइन, तो वो चीज हम कैसे निकालेंगे? इसके दो तरीके हैं, एक है प्योरली मैथमेटिकल तरीका, एक प्योरली मैथमेटिकल जिसमें ना हम लोग विजुलाइज नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है। तो पहले मैं प्योरली मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं इसमें, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रक यहां पर है, कार यहां पर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस एक्स नॉट है, एक्स नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि वो मिल ले। तो पहले हम एक काम करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, ट्रक की जो पोजीशन है एज अ फंक्शन टाइम ये हो जाएगी, कार की जो पोजीशन है वो एज अ फंक्शन टाइम ये हो जाएगी। सही बात है ना? ओके, मीटिंग का क्या मतलब है? सेम टाइम से मीटिंग का मतलब है कि एस ऑफ ट्रक इक्वल टू एस ऑफ कार हो जाए, राइट? तो कैन आई से दिस, ये सही लिखा है क्या? ट्रक की पोजीशन ये थी, कार की पोजीशन ये थी। मैं बोलता हूं कब मिलेंगे, मैं जब भी मिलेंगे ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो ये और ये बराबर का मतलब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया और थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो हम लोग भी। फाइन, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, टू टी स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, टू टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 50t हो जाएगा, नहीं सॉरी माइनस 50 हो जाएगा, माइनस 50t प्लस एक्स नॉट, समझ में आ रहा है क्या? तो इससे जो टाइम आएगा वो क्या होगा जब वो लोग मिलते हैं? पहले क्वेश्चन में एक्स नॉट की वैल्यू 200 थी, तो टी को सॉरी एक्स नॉट को 200 बुक करोगे तो आपको टाइम मिलेगा कब मिले थे, वो ये आंसर आ जाएंगे आपके। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, हमने पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। हाँ गुड गुड, आप लोग ध्यान दे रहे हो, ठीक है? मुझे तो मालूम दैट, ओके कोई बात नहीं। तो सिचुएशन क्या है देखो, मतलब ये आपका टाइम है जब वो लोग मिलते हैं, ये टाइम आपको तब मिलेगा जब आप उसको एक्स नॉट बताओगे तब, राइट? यस सर। मेरे पहले दो क्वेश्चन में एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी? 200। अब एक्स नॉट को 200 पुट कर दोगे ना, 200 तो कितना हो जाएगा, 2500 माइनस 200 × 8 दैट इज 1600, तो रूट ऑफ 930 हो जाएगा, है ना? तो 50 प्लस और माइनस 30/4 हो जाएगा, मतलब 520 आएगा। मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया है लेकिन बोला कुछ भी नहीं है, टाइम पास बोला है, राइट? वैल्यू सी डाली है और दूसरी डाली, राइट? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक्स नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हो कि ये लोग मिल लें? तो इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स नॉट सच दैट टी इज रियल एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रिसाइसली, पॉजिटिव नंबर। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा? तो किसी को बोला ए भाई काम कर तू, चल एक्स नॉट बढ़ा, जितना बढ़ा सकता है बढ़ा दे, मुझे कहा ठीक है चलो बढ़ाते एक्स नॉट को, एक्स नॉट को उसने पुट किया 1, 2, 3, 4, 10,000, 10,000, 20,000, और पुट करता रहा। तो ये बंदा जो ना डिस्क्रिमिनेंट नाम का एक आदमी खड़ा था यहां पर, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जो रूट के अंदर आता है, आई एम सॉरी रूट, तो रूट ने बोला भाई थामा, ठीक है, अब एक्स नॉट को बढ़ाओ, अच्छी बात है, क्यों बढ़ाओगे आप, क्यों बढ़ा रहे हो एक्स नॉट को? क्वेश्चन ने आपसे बोला है भाई फाइंड मैक्सिमम एक्स नॉट, तो एक बंदे ने एक्स नॉट को बढ़ाना चालू किया, तो इस रूट ने पूछा तू क्यों बढ़ा रहा है, उसने बोला क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही है, तो उसने कहा तेरा क्वेश्चन कुछ भी हो यहां पर अपना रूल चलता है, ठीक है, एंड देयर इज अ लिमिटेशन, तू कुछ भी कर कैसा भी कर लेकिन मेरे अंदर जो भी क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर आप ध्यान दो तो एक्स नॉट को आप बढ़ाते हो तो डिस्क्रिमिनेंट है ये नीचे होता रहता है, राइट?
सो मैथमेटिक्स यहां पर एक कंस्ट्रेंट डालती है कि आप इस डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव नहीं कर सकते. तो आप क्या चाहोगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? जस्ट जीरो हो जाए, राइट? इसका मैक्सिमम होने का मतलब इसका मिनिमम होना, और कम से कम ये कितना कर सकते हो आप? जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ? मैक्स एक्स नॉट इंप्लाइज डी इक्वल टू जीरो. इट इंप्लाइज 2500 माइनस 8 एक्स नॉट इक्वल टू जीरो. इट इंप्लाइज एक्स नॉट इक्वल टू 312.5 मीटर. समझ में आया क्या? दिस वॉज अ प्योरली मैथमेटिकल सोल्यूशन. इसमें हमें ना सही बताऊं तो बहुत ज्यादा फील नहीं आया कि हुआ क्या अंदर. आपने बस एकदम से कहता मैकेनिकल तरीके से ऐसे बस इक्वेशन लिखनी चालू कर दी. एस टी की वैल्यू इतनी है, एस ऑफ कार की वैल्यू इतनी है, कार और ट्रक का एस सेम हो जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो टी आ गया. अब टी की रियल वैल्यू तब होगी जब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव हो या मिनिमम जीरो हो बस. तो अकॉर्डिंगली आपको एक्स नॉट आ गया, राइट? सो इसमें फील नहीं आया हम लोगों को, तो आप थोड़ा फील लेने की कोशिश करते हैं कि एक्स नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए. ठीक है, तो आंसर तो आ गया सब ना. देखो अब मैं पूरा फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूंगा. ठीक है, एक्स नॉट मैक्सिमम होगा, इससे डायरेक्टली हमारे दिमाग को क्या हिट करता है कि इनकी जो मीटिंग है वो जल्दी होनी चाहिए या लेट होनी चाहिए? लेट है ना, या द मीटिंग हैज टू बी डिलेड. तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा उनकी मीटिंग डिले होती रहेगी. ठीक है, द एक्स इंक्रीजेस, ठीक है, इट इंप्लाइज डिले इन मीटिंग, डिलेड मीटिंग. ठीक है, अब उसको डिले करने के लिए भी एक कंस्ट्रेंट आता है. ऐसा नहीं आप सोचो कि एक्स नॉट को इतना कर दो कि या वो छह दिन के बाद मिले, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो छह दिन के बाद उसकी स्पीड लाखों किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी, पर मीटर हो जाएगी, जो भी है. ठीक है, लाखों मीटर पर सेकंड हो जाएगी. आई होप यू गेटिंग पॉइंट. तो आप चाहते तो हो कि उनकी मीटिंग डिले हो जाए. देखो आपने क्या किया, आपका क्वेश्चन था मैक्सिमम एक्स नॉट, लेकिन आपने उसको ऐसे परसीव किया कि डिलेड मीटिंग, लेट से लेट मीटिंग हो उनकी. अब लेट से लेट मीटिंग में एक कंस्ट्रेंट आता है. अगर मान लो उसकी स्पीड इसके बराबर होगी, इसकी स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, इसकी बढ़ नहीं सकती, इसकी बढ़ रही है. मान लो इसकी स्पीड 60 हो गई और तब तक ये नहीं मिल पाए, तो कभी ये लोग मिल पाएंगे? नहीं, राइट? इसकी स्पीड 60 हो गई और ये लोग मिल नहीं पाए हैं, तो उसके बाद मिल भी नहीं पाएंगे ये लोग. तो आप चाहोगे कि, देखो यहां पर लिखते आता हूं मैं, मैक्सिमम एक्स नॉट, मैक्सिमम एक्स नॉट का मतलब हो गया डिलेड मीटिंग, राइट? अब डिलेड मीटिंग पे एक 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 कंस्ट्रेंट आता है कि स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार शुड जस्ट बिकम 60, है ना? कार की जो स्पीड है ये 60 होनी चाहिए. और कार की स्पीड 60 कब होगी? कार की स्पीड 60 कब होगी? V इक्वल टू U प्लस ए टी. तो टी कितना हो जाएगा? 12.5 सेकेंड्स. तो कुल मिला के ये चीज आती है टी इक्वल टू 12.5 सेकेंड पे, राइट? इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि 12.5 सेकेंड पे ही कार एंड ट्रक को मिलाना है हमें, एंड विच विल गिव अस द रिजल्ट. पहले ये बात आपको शायद समझ में आई है. ठीक है, मैं इसको एक एक एनालॉजी देकर समझाऊंगा. आई विल गिव एन एनालॉजी हियर टू एक्सप्लेन दिस. ओके, कुछ लोगों के लिए कॉमन एनालॉजी हो जाएगी.
एनालॉजी कुछ ऐसी है कि मान लो आपके पेरेंट्स बॉम्बे गए घूमने के लिए, वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल है, वो वर्ल्ड कप देखने गए हैं और आपको बोल गए हैं बेटा पढ़ाई करना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना, ठीक है, तो आपका शैतानी दिमाग चला, सोचा यार वो तो वानखेड़े मैच देखने गए हैं और मुझे बोल रहे हैं पढ़ाई कर ले पप, ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे ही वो गए आपने घर में दोस्त बुला लिया, अपने दोस्त नहीं तो भाई बहनों को बुला लिया, बोला चलो टाइम पास करते, एकदम धूम धड़ाका चालू कर दिया घर में, और अब आपका एजेंडा ये है कि वो मैच देखने गए हैं वर्ल्ड कप का तो मैं भी यहां पर मस्ती करूंगा, ठीक है, आई विल हैव फन एंड आई विल ट्राई टू इंक्रीज माय फन टाइम, ठीक है, सो विल इंक्रीज अवर फन, ठीक है, तो जैसे यहां पर एक्स नॉट को मैक्सिमम करना था, यहां पर आपका एजेंडा है कि आपको फन को मैक्सिमाइज करना है, तो भाई आपका जो फन है वो मैक्सिमाइज होगा, इसका मतलब आप